हेलो बच्चों मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूं आपके पास क्लास टेंथ का अगला वन शॉट जिसका नाम है सांख्यकी तो आज हम स्टैटिस्टिक्स का वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है ये क्लास नाइन्थ में भी आपने सांख्यिकी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी वहां पर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के नाम से आपने चैप्टर को पढ़ा भी था कि बेसिक जो इसका पार्ट था वो आपने वहां पर पढ़ा था जैसे माद क्या होता है उसके बारे में जाना था बहुलक के बारे में जाना था मादिका के बारे में जाना था तो छोटी छोटी चीजें वहां पर सीखी हुई थी उसी का एक स्टेप ऊपर का पार्ट हमें टेंथ में पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही है एक शॉर्ट क्वेश्चन आनी है लगभग 10 से 12 नंबर का इसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें स्कोर करना बहुत आसान है सिर्फ कैलकुलेशन है आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है और गिने चुने दो चार पांच फार्मूले उन्हीं से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं ठीक तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है और वो फार्मूले याद रखने हैं और आराम से आप इसमें पूरे मार्क्स ले आएंगे ठीक है तो बस इस लेक्चर को तुम

और 13.3 में हम माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे या माध्यक, माध्यक या माध्यिका का मतलब एक ही है उससे कोई परेशानी की बात नहीं है तो तीन एक्सरसाइज है तीनों एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं थोड़ा पार्ट हम आपको नाइन्थ का भी रिवाइज करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा रिदम में आ जाए और आपको डिटेल में समझ में आ जाए चीजें कि कैसे कनेक्टेड है ये चीजें ठीक है तो माध्यक से स्टार्ट करते हैं फिर बौलक पे चलेंगे फिर माध्यक पे चलेंगे बहुलक से छोटा क्वेश्चन बनता है से बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं इसी से से बनेगा और माध्यिका भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है है ठीक सॉरी तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आप सबसे पहले हम बात करेंगे हम लोग माध्य से स्टार्ट करते हैं आशा करते हैं आप जो पिछले वन शॉट है वो टाइम से अपने कंप्लीट कर रहे हो प्रॉपर उन्हें कंप्लीट करते रहो जिसने भी पिछले कोई भी वन शॉट नहीं देखा है तो इसी चैनल पे अपने सारे वन शॉट पड़े हुए हैं आप सारे वन शॉट टाइम से कंप्लीट करो मैं डिटेल में सारे वन शॉट करा रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लॉन्ग है और शॉर्ट है मतलब कि थ्री मार्क्स फोर मार्क्स फाइव मार्क्स या किसी के बोर्ड में सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन बनता हो तो अलग अलग उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन वहां पर करा रहा हूँ तो सभी लोग उसको प्रॉपर रिवाइज करें जिससे जो हम लोग लाइव क्लास लेते हैं वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है लाइव में एमसीक्यूज हैं वन मार्क्स या टू मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं चैप्टर वाइज अलग अलग डिफरेंट पी वाई क्यूज हैं वो सब चल रहे हैं अपने जो बृहस्पतिवार को हम लोग लाइव ले रहे हैं क्लास उसके अलावा यहाँ पर जो क्लासेज हो रही है जो रिकॉर्डेड अपनी वन शॉट आपको मिल रहा है यहाँ पर डिटेल में लेक्चर को जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट के साथ हम लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में ला रहे हैं ताकि अच्छे से सारे टाइप के क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस हो जाए ठीक है चलो फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक अपना माध्य माध्य की बात करी जाए कि माध्य क्या है मतलब कि अगर हम छोटी सी बात करें इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं आपने नाइन्थ क्लास में दो प्रकार के आंकड़े पढ़े थे मैं बताता हूँ बेसिक से ही चलता हूँ छोटा सा हमारे पास तीन प्रकार के आंकड़े होते हैं एक होता है यथा प्राप्त आंकड़े यथा प्राप्त आंकड़े ठीक दूसरे हमारे होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े और तीसरा हमारे पास आता है अवर्गीकृत के बाद तीसरे वाले हमारे पास जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरत वर्गी जाएगा परेशान नहीं होना ठीक तीन प्रकार के हमारे पास आंकड़े होते हैं एक हो गया यथाप्राप्त आंकड़े एक सर हमारे पास यथा प्राप्त आंकड़े हो गए दूसरे हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़ा हो गया और तीसरा हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ा हो गया ठीक ये तीन प्रकार के हमारे पास बेसिकली आंकड़े होते हैं नाइन्थ में जो हम लोगों ने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था वो ये दोनों पढ़े थे कौन कौन से सर एक हमने यथा प्राप्त वाला पढ़ा था नाइन्थ में और हमने अवर्गीकृत पढ़ा था टेंथ में हम लोग के बारे में जानेंगे टेंथ में, हम स्लेबस में जो है वो के। इस पर अच्छा, मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं ताकि सारी कल, हो जाएं कि कैसे आंकड़े दिखने में कैसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए मैं इधर ना इधर स्पेस पे लिखता हूं पहले प्रकार का आंकड़े की बात करूं अगर यथा प्राप्त आंकड़ों की बात की जाए तो जैसे क्वेश्चन डायरेक्टली दे दे कि मान लो लिखा है दो पांच सात चार तीन, एक का माध्य ज्ञात करो का ज्ञात माद्यो नाइन्थ में ऐसे क्वेश्चन आपने करें इस प्रकार के आंकड़े जब डायरेक्ट आपको सिर्फ सिंपल एक टेबल ऐसी दे दी जाए सिंपल सी संख्याएं लिख दी जाए टेबल भी नहीं सिंपल सी संख्याएं लिख दी जाए और फिर आपसे कह दिया जाए इसका माध्य ज्ञात करो तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं सिंपल सा फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है इसमें इसका फार्मूला जो होता है माध्य को हम एक्स बार से दर्शाते हैं के ऊपर हम बार लगा देते हैं वो सिंपल ये डंडा खींच देते हैं उसी को से ये पहला होता है, ये जो आंकड़े दिए गए मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में परीक्षा हुई और आप के किसी सेक्शन में थे और आपकी परीक्षा में जो मार्क्स आपके आए कि सर मैथ में मेरे चालीस मार्क्स आए हैं पचास में से और हिंदी में तीस आए हैं उसमें इंग्लिश में बीस आए हैं और इसमें सैंतालीस सह, आए हैं विज्ञान में और और किसी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए तो इसी चार पांच सब्जेक्ट में तुम्हारे पास ये नंबर्स आए तो किसी ने आपका इससे कहा कि इसका माध्य निकालो माध्य मतलब कि एक प्रकार से औसत निकालो तो आप क्या करोगे उन सारे मार्क्स को जोड़ के जितने पेपर हुए मान लो पांच पेपर हुए तो पांच से आपने भाग लगा दिया ऐसे ये हमारे पास आंकड़े दिए गए अब इन आंकड़ों को जोड़ के हम इनके नंबर से भाग लगा देंगे तो वो हमारे पास माध्य हो जाता है बहुत से बच्चों को आता भी होगा तो परेशान नहीं होना आप आराम से साथ साथ करते रहो हल्का सा शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा इनको नहीं भी आता होगा उनको रिवीजन हो जाएगा ठीक तो एक्स बार बराबर हम क्या लिखते थे सर यहां से हो जाता था एक्स बार बराबर इन सबको जोड़ देते थे ये होता था फार्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन तो यहां से एक्स बार बराबर हो जाएगा दो प्लस पांच प्लस सात प्लस चार प्लस तीन प्लस एक और बटे में कितना है एक दो तीन चार पांच छह से भाग लगा देंगे तो एक्स बराबर बार बराबर कितना हो जाएगा पाँच दो सात 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 चौदह और चौदह और अठारह और तीन हो गया हमारे पास और बटे बाईस, बाईस तो बटे आ जाएगा तो इसकी वैल्यू निकाल दो और वैल्यूर छत्तीस मतलब थ्री पॉइंट सिक्स सेवन करके ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका माध्य आ जाएगा इस प्रकार से हम यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्य निकालते थे ये हमारे पास हो गया यथा प्राप्त आंकड़े दूसरी बात करते हैं अब अगर आंकड़ा तुम्हारे पास

पाँच है फिर सात है फिर चार है फिर तीन है और फिर एक है इस प्रकार से एक्स दिया होता था um. एफ फॉर एग्जाम्पल अपने मन से हम एग्जाम्पल ले एक्स और एफ हमें पता होता था जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो टेबल फॉर्म में एक डाटा दिया होता था ये हमें पता होता था क्वेश्चन में गिवेन होता था तो एक्स पता होता था एफ पता होता था मान लो एफ आपके पास है ये हमारे पास है तीन ये हमारे पास, पास सात नौ एक और ये है छः और ये हमारे पास चार ये तुम्हें पता था ठीक एक्स और एफ हमें क्या था पता था ठीक फिर हम क्या करते थे इसका फार्मूला क्या होता था इस प्रकार के आंकड़े जब तुम्हें एक्स और एफ मान लो पता है फिर तुमसे कह दे कि इसका माध्य ज्ञात करो तो माध्य निकालने का फार्मूला सर इसमें होता था हम इसके लिए फार्मूला लिखते थे यहां पर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ यह फार्मूला होता था F हमारे पास क्या होता है F हमारे पास बारंबारता होती है F मतलब फ्रीक्वेंसी तभी F से दर्शाते थे X मतलब जो प्रेक्षण होते थे एक्सपेरिमेंट करने पर या कुछ आंकड़े हमारे पास डाटा दिया जाता था F हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी बारंबारता होती थी कि कितने पर, कितने बार ये दो आया है कितने बार ये पांच आया है सात बार पांच आया है नौ बार सात आया है एक बार चार आया है छह बार तीन आया है और चार बार एक आया है सिंपल सा यह फ्रीक्वेंसी या बारंबारता होती थी फार्मूला हमारे पास क्या होता था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ सिग्मा का मतलब होता था सबका जोड़ना एफ मतलब कि एफ का एक्स से गुणा तो गुणा करके लिखो यहां पर हमें एक चीज बनानी पड़ती थी एफ एक्स निकालना पड़ता था तो एफ एक्स निकालो एफ का एक्स से गुणा करना है तो गुणा कर दो तीन दूना छ सात बना पैंतीस नौ सत तिरसठ चार एकम चार और छत्रिक अठारह और चार एकम फिर से चार ठीक ये हमारे पास आ जाएगा सभी को जोड़ दो ये हो जाएगा छः चार दस ऐसे लिखो छः चार दस चार चौदह और चौदह और ऐसे लिखो आठ चार बारह चार सोलह सोलह और सोलह तीन उन्नीस पांच चौबीस और छत्तीस ऐसे से लगा जी। तीन एक छः और एक सात तीन दस और छः एक सात तीन दस तीन तेरह कितना हाँ, आ गया हाँ तेरह ठीक एक सौ तीस आ गया अब यहां पर क्या है इसको जोड़ लो सिगमा एफ चाहिए क्योंकि फार्मूले में हमारे पास नीचे सिग्मा एफ है तो और बारंबारताओं का योग कर लो तो छह चार दस और ये भी दस ये भी दस तो दस बीस तो ये आ जाएगा तीस ठीक फार्मूला आपके पास होता था एक्स बार बराबर सर फार्मूला होता था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ तो एक्स बार बराबर यहां से आ जाता था सर एक सौ तीस और बटे का हमारे पास तीस जीरो से जीरो कट गया तीन चौकों बारह हो गया बचा एक तीन नौ, तीन नौ, तो चार तीन तीन करके इस एक बार निकल आता था ठीक ये बेसिक सी बात हो गई हमारे पास जो हमने क्लास में इतना पढ़ रखा था पिछली कक्षा में हमने इतना तो पढ़ रखा था दो प्रकार के ऐसे क्वेश्चन होते थे सर कभी डायरेक्ट ऐसे दिया जाता था कभी एफ और एक्स दिया जाता था तो ऐसे हम निकाल लेते थे अब हमें पढ़ना है तीसरा अपना वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में थर्ड की बात करी जाए तीसरा टॉपिक जो है हमारे पास जो क्लास में हमें पढ़ना है वो है वर्गीकृत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या है सिंपल सी बात समझो ठीक वर्गीकृत आंकड़े जो हमारे पास होते हैं इनकी अगर हम बात करें जो थर्ड टाइप के हमारे पास जो इसमें हमें पढ़ने हैं वर्गीकृत आंकड़े इसमें जो क्वेश्चन होंगे इसमें जो टेबल दी जाएगी वर्ग अंतराल के रूप में दी जाएगी फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल दे देता हूं फार्मूला तो मैं आगे लिख के बता दूंगा एग्जाम्पल के लिए कैसे क्वेश्चन के फॉर्म कैसी होगी यहां पर भी हमें x मतलब x x की की जगह जगह पर यहाँ पर 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 यहां 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 क्या पता होता है जैसे f तो भी भी दिया जाएगा बारंबारता दी जाएगी लेकिन तुम्हें वर्ग अंतराल दिया जाएगा क्या दिया जाएगा वर्ग अंतराल इसके क्वेश्चंस लगाएंगे अभी प्रैक्टिस हो जाएगी परेशान ना होना वर्ग अंतराल वर्ग ऊपर लिख देते यहां पर क्या दिया जाएगा वर्ग अंतराल ठीक जैसे वहां पर तुम्हारे पास x और f होती थी इस वाली टेबल में यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा यहां पर सर ये वर्ग अंतराल होगा और f होगा वर्ग अंतराल का मतलब क्या कैसे कुछ भी वर्ग हो सकता है जैसे कि मान लो ऐसा है कुछ पाँच से दस फिर दस से बीस या दस से पहले बराबर वाला लेते हैं दस से पंद्रह पंद्रह से बीस फिर बीस से पच्चीस ऐसे ही पच्चीस से तीस तीस से पैंतीस ऐसे करके कुछ वर्ग अंतराल मान लो एफ की वैल्यू तुम्हारे पास दी गई है तीन है चार है सात है नौ है चार है और एक है ठीक तो इस प्रकार के जो हमारे पास क्वेश्चन होते थे जैसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों की बात करें तो वर्गीकृत आंकड़ों में सिंपल वर्ग अंतराल क्वेश्चन में गिवेन होगा For example, question मैंने लिया की संख्या ये बारंबारता ही है, तो ये हमारे पास नीचे बारंबारता दी गई लेकिन जो हमारे पास एक्स दिया होता था वहां पर वर्ग अंतराल दिया होगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में तुम्हें माध्य निकालना होगा तो तुम कैसे माध्य ज्ञात करोगे उनकी हमें चर्चा करनी है वही हमें यहां पर सीखना है ठीक इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हमारे पास जब वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाए तब आपको कैसे निकालना है यहां से अपना एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है अब बात करते हैं इसकी अब बेसिकली यहां पर क्या है इन प्रकार के अच्छा एक चीज और समझाने चाहते हैं कि आपके कहीं बुक में ऐसा लिखा हो कि सर यहां पर सर एक्स की जगह पर एक्स आई है एफ की जगह पर एफ आई है तो कंफ्यूज ना होना चाहे एफ और एक्स लिख लो चाहे एफ आई और एक्स आई नीचे सफिक्स में नीचे साइड छोटा सा आई बनाओ तो उसके लिए कंफ्यूज ना होना एक्स आई का मतलब क्या है कि जैसे आई की जगह वैल्यू रखते जाओ तो एक्स वन फिर आगे टू फिर एक्स थ्री ये एक्स फोर तो ये तुम्हें मिलता जाएगा कि ये एक्स वन है फिर एक्स टू है ये एक्स थ्री है ऐसे ऐसे यहाँ पर एक्स आई अगर होगा तो यहाँ पर क्या होगा ये हमारे पास आई की जगह वन रख दिया तो एक्स वन मिल गया ये हमारे पास एक्स टू है ये हमारे पास क्या एक्स थ्री है ऐसे ये एफ वन है ये एफ टू है ये एफ थ्री है फोर है फाइव है तो उसके लिए कन्फ्यूज ना होना बुक में दिया हुआ स्टैंडर्ड भी यही है कि ऐसे ही लिखना चाहिए कि एक्स आई है और फिर एफ आई है फिर यहाँ पर भी एफ आई एक्स आई है तो उसके लिए कन्फ्यूज हो ना होना अगर आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी मार्क्स कटेगा नहीं कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे आई है फिर आई के चक्कर में थोड़ा टफ लगे तो हम ये नहीं चाहते कि तुम्हें टफ लगे देखने में कुछ ऐसा लगे कि जो आशोभनी है लेकिन अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है लिखना चाहिए तो आप लिखिएगा एग्जाम में अगर लिखने की आदत है तो आप लिखिएगा नहीं लिखेंगे तो चलेगा ऐसा कोई खास उससे मसला नहीं होगा आप आराम से मैं समझाने के लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो ठीक है तो एक्स आई और एफ आई में कंफ्यूज ना हो सेम चीज है वो बाकी और कोई मतलब नहीं उन चीज का अब चलते हैं अपने पास वर्गीकृत आंकड़ों के पास तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमें माध्य निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन विधियां हैं कौन कौन सी पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि ठीक दूसरी विधि है हमारे पास कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि है हमारे पास पग विचलन विधि ठीक ये हमारे पास तीन प्रकार की बेसिकली विधियां हैं प्रत्यक्ष विधि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि तीनों के मैं एक एक करके फार्मूले लिखूंगा और मैं क्वेश्चन के माध्यम से तीनों विधियां समझा दूंगा ठीक परेशान नहीं होना आराम से आप कर लोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये तीसरी वाली विधि है क्योंकि जब क्वेश्चन में कल्पित माध्य विधि या प्रत्यक्ष विधि कभी लगाते हैं अगर डाटा थोड़ा सा कठिन दिया जैसे ये फॉर एग्जांपल जो हमने ये डाटा लिया है ये छोटी छोटी संख्याएं है तीन चार अब यहाँ पर एक लिखा है दो लिखा है 711 लिखा है तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है उस केस में तो उस केस में पग विचलन विधि कैलकुलेशन सबसे आसान करता है कल्पित माध्य के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा आसान है प्रत्यक्ष विधि के कंपेरिजन में कल्पित माध्य माधान है तीनों आसान ही है मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सबसे आसान कैलकुलेशन के तौर पर देखी जाए थोड़ा फार्मूला इसका बड़ा होता है उतनी कैलकुलेशन इसकी अच्छी हो जाती है बस ये बात है और कुछ नहीं तीनों के लिए हम अगर फार्मूले लिखे तो प्रत्यक्ष विधि का डायरेक्ट फार्मूला है कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है एक्स बार निकालने के लिए सर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ अच्छा किसी के बुक में ये लिखा हो कि यहां पर नीचे कैपिटल एन है या स्मॉल एन कैपिटल एन लिखा होता है वैसे बेसिकली तो परेशान ना होना कैपिटल एन का मतलब यही है कि वो बारंबारताओं के योग की बात कर रहा है ठीक सिग्मा एफ जो होता है जो बारंबारताओं का योग होता है उसी को हम कैपिटल एन से लिखते हैं तो बुक पे कंफ्यूज ना होना F ये बारंबारताओं का योग है जब आप देखोगे उदाहरण में तो वो वही बारंबारताओं का योग ही किया गया होगा और वही उसका मतलब एन भी होता है कैपिटल एन ठीक तो ये हमारे पास होती है प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिगमा एफ फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो लिखा अब इसमें सर यक्स कैसे निकलेगा तो यक्ष तुम्हें पता है कैसे निकलेगा निकालने के लिए हम क्या करते हैं जैसे तो 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 है है यहां पर होता था अब तो है नहीं सर तो कैसे निकलेगा तो एक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है ये उच्च सीमा है ये उच्च सीमा ये उच्च सीमा ये निम्न सीमा जो अंतराल दिया गया है, ये वर्ग अंतराल में ये निम्न सीमा है ये उच्च सीमा है मतलब पांच से दस के बीच के जितने भी मान है पांच से दस के बीच की जो वैल्यू है वो तीन बार आई कहने का मतलब है उसका तो पांच से दस के बीच की तो पांच हमारे पास क्या है इसकी निम्न सीमा छोटी वाली वैल्यू दस क्या है ये उच्च सीमा है ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आप बुक की भाषा भी समझते रहें ऐसा ना लगे कि सर हमारी बुक में ये लिखा था इसका मतलब क्या था ये निम्न सीमा है ठीक और ये हमारे पास क्या होती है ये उच्च सीमा है ठीक ये निम्न सीमा हो गई ये उच्च सीमा हो गई अगर आपको एक्स निकालना है तो x कैसे निकालते हो निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग कर देते हो निम्न सीमा और उच्च सीमा पांच और दस को जोड़ा और दो से भाग कर दिया सिंपल पांच और दस को जोड़ा और दो से भाग कर दिया तो वो हमारे पास क्या आ जाता है वो हमारे पास x आ जाता है तो दस पांच पंद्रह बटे दो कर देंगे तो साढ़े सात आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं जो आ रहा है वो लिख दो सात दशमलव पांच आ जाएगा ठीक, ऐसे दस और पंद्रह जोड़ा तो दस और पंद्रह कितना होता है दस और पंद्रह पच्चीस पांच ऐसे बीस और पच्चीस को जोड़ो तो बीस पैंतालीस तो तो में दो जब तो का जब भाग लगाओगे तो क्या आएगा बाईस दशमलव पांच सत्रह दशमलव पांच में पांच जोड़ो तो बाईस दशमलव पांच फिर सत्ताईस दशमलव फिर बत्तीस दशमलव पांच तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ठीक तो एक्स ऐसे निकालेंगे दशमलव में आएगा तो भाई निकालना पड़ेगा कोई ऑप्शन है नहीं वो तो हमें करना ही पड़ेगा तो एक्स कैसे निकालते इन दोनों को जोड़ के दो से भाग ठीक प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं अभी सिंपल फिर आप क्या करोगे यहां से एफ इंटू एक्स निकालोगे जैसे अभी तक कर रहे थे जैसे इस क्वेश्चन में किया था अब तो आ गया ना एफ भी आ गया एक्स भी आ गया जैसे डायरेक्ट अगर हमें एफ एक्स दिया है तो डायरेक्ट गुणा कर लो तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ तो ये आवर्गीकृत आंकड़े अवर्गी विधि जो लगाते थे एक प्रकार से प्रत्यक्ष विधि थी उसमें एफ और एक्स डायरेक्टली दिया होता था तो डायरेक्ट गुणा करके सीधे भाग कर देते थे तो वही आ जाता था इसमें क्या होगा कि हमें वर्ग अंतराल दिया होगा एक्स डायरेक्टली नहीं दिया होगा एक्स निकालने का तरीका है कि सर एक्स जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं सर निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और इसमें दो का भाग लगा लेते हैं तो ये हमारे पास की वैल्यू आ जाती है। अब यहां से करके तुम इसको जोड़ लोगे भाग कर सीधा आ जाएगा ठीक क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर कर लेंगे। अब बात करें दूसरी विधि में आप क्या करते हो वो तो हो गई प्रत्यक्ष विधि समझ गए निकाल ही लेंगे गुणा कर लो फिर इनको नीचे जोड़ लो सिग्मा एफ को जोड़ लो इन दोनों को इससे इसको भाग लगा दो आंसर आ जाएगा ठीक है अब आगे करते हैं कल्पित विधि कल्पित मादविदी की अगर बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी और बटे में हमारे पास होता है सिग्मा एफ ये फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ जहां ए हमारे पास क्या होता है यहां पे लिख देते हैं जहां ए हमारे पास होता है कल्पित माध्य अभी मैं इसका क्वेश्चन करूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है कल्पित माध्य ठीक और डी हमारे पास क्या होता है एक्स माइनस ए करके ये दो चीजें हमारे पास एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ तीसरी है हमारे पास पग विचलन विधि पग विचलन विधि में हम क्या करते हैं एक्स बार बराबर यहां पर भी ए होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन का सिग्मा एफ और गुड़े में होता है एच अब यहां पर क्या कहती है जहां ए तो वही है हमारे पास क्या ए तो सर वही है कल्पित माध्य जहां ए तो कल्पित माध्य ठीक और क्या बचा यू यू निकालने के लिए आप क्या करते हो यू निकालने के लिए एक्स माइनस ए

इसी इसी को इसी में समझा देते हैं, ठीक। देखो अब यहां पर अगर तुम्हें h देखना है वर्ग अंतराल तो h कितना है अगर आप इसमें अंतर देखो पांच से दस के बीच में अंतर कितना है दस पांच का दस से पंद्रह के बीच में पांच का पंद्रह से बीस के बीच में पांच का सिंपल अंतर मतलब आप उच्च सीमा से वर्ग अंतराल कितना हो गया यहाँ पर सर पांच हो गया तो एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई पांच हो गई सिंपल ठीक ए क्या होता है ए की अगर बात करें तो ए हमारा कल्पित माध्य होता दोनों में यूज आता है ए का यहां पर भी आता है कल्पित माध्य विधि में भी और पग विचलन विधि में तो ए सर कैसे निकालेंगे ए कैसे समझेंगे ए के लिए तुम सिंपल पे ध्यान दोगे जब तुमने तो वर्ग अंतराल से निकाला तो सिंपल एक्स वाली टेबल पर ध्यान दो और कहीं नहीं एक्स वाली पे. वाली टेबल टेबल पे में जो बीच की वैल्यू होती है बीच की वैल्यू मतलब तो कि जैसे दो दो चार दो छह यहां पर तो सम संख्या है यहां पर सम संख्या है तो बीच की वैल्यू हमें दो मिलेंगी दो मिलने का, का मतलब क्या है जैसे ऊपर भी दो नीचे भी दो तो बीच की वैल्यू दो बीच वाली संख्या है तो बीच वाली यहां पर दो आ रही मान लो ऐसा दो ना होके एक संख्या और नीचे होती मान लो आगे हमारे पास और कुछ होता सैंतीस दशमलव पाँच और होता फॉर एग्जाम्पल पहले हम उस केस के लिए बता देते हैं फिर इस केस के लिए भी बता देंगे मान लो एक संख्या हमारे पास और आती नीचे इसको आगे और करते तो यहाँ पर सैंतीस दशमलव पाँच और होता मैं एक टेबल बढ़ा देता हूँ पहले फिर आगे समझा दूंगा देखो यहां से मान लो पैंतीस से चालीस तक और है और फिर उसके हमारे पास यहाँ पर दो है और फिर यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा वो सर आ जाएगा सैंतीस दशमलव पांच मैंने टेबल थोड़ी सी बढ़ा दी कोई दिक्कत नहीं अब देखो ए निकालने के लिए क्या देखोगे कि सर बीच वाली एक्स में जो बीच वाली वैल्यू है बीच वाली वैल्यू कौन है सर एक्स में एक्स में बीच वाली वैल्यू जैसे दो एक तीन ये तीन ऊपर हो गए तीन नीचे हो सत्ताईस बाईस दशमलव पांच जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए कल्पित माध्य हो जाएगा बीच की वैल्यू को हमेशा हम ए मानते हैं बीच की वैल्यू को क्या मानते हैं सर ए मानते हैं अब सर अगर यहाँ पे बीच की वैल्यू दो निकली मतलब यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात संख्याएं थी तो बीच की वैल्यू तुम्हें बाईस दशमलव पाँच मिल गई लेकिन सर अगर यहाँ पर एक संख्या और भी मांगे आगे मान लो तुम्हारे पास सैंतालीस दसमलव पाँच और आ गया आगे यहाँ से हम और बढ़ गए चालीस से पैंतालीस है यहाँ पर तीन है तो सर क्या होगा मान लो सैंतालीस दसमलव पाँच तो नहीं आएगा ये बयालीस दशमलव पाँच आएगा इसको लिख देते हैं सही है जो मान लो सर एक संख्या और बढ़ गई अब क्या अब इसको ये मानेंगे अभी भी ऊपर तीन है

अगर विषम है तो तो बीच की एक ही वैल्यू आएगी अगर सम है तो दो वैल्यू आएंगी और सम में अगर दो वैल्यू आती दो में में जो जो तुम्हें तुम्हें अच्छी लगे जो तुम्हें समझ में आ रही हो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है वो लेकर आप आगे सॉल्व कर सकते हो आगे तुम्हें क्या निकालना है जैसे कल्पित माध्य विधि की बात करें इसमें तो ए तुम्हें मिल गया अब तुम्हें क्या चाहिए डी डी के लिए क्या निकालना एक्स माइनस ए तो डी के लिए तुम्हें क्या चाहिए एक्स माइनस ए तो आगे आप क्या निकालोगे एक्स माइनस एक्स कहा इससे इसको घटाते जाओ आगे लिखते जाओ घटाते जाओ आगे लिखते जाओ एक्स माइनस ए से हमारे पास क्या आ जाएगा जैसा जब एक्स माइनस ए आएगा वही हमारे पास क्या होता है डी होता है बस इसके बाद आपके पास फार्मूला है कौन एफ ये एफ इंटू डी की, की टेबल बना लेंगे गुणा कर लेंगे नीचे जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे और इसके बाद ए से हम इसमें जोड़ लेंगे तो हमारे पास यहां से एक्स बार आ जाएगा क्लियर यहां से बात ठीक अब आपको ए निकालना पता है यू निकालने के लिए क्या करना है सर एक्स माइनस ए बटे एच वर्ग पग विचलन विधि की बात कर रहे हैं एक्स माइनस ए बटे एच तो यहां से क्या करेंगे यहां से एच में भाग एच का भाग और लगाना है ये आप क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा बात अब यहां पे इतनी रोकते हैं यहीं पे इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी पहले आप क्वेश्चंस करेंगे तभी चीजें सब चीजें समझ में आएंगे इसे बोलने से नहीं क्लियर होगा ठीक ए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सभी को एच और ए क्लियर हो गया ना एच हमारे पास क्या होता है हमारे पास वर्ग अंतराल है वर्ग अंतराल का मतलब जैसे इनके बीच में अंतर कितना है 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 जैसे यहां पर वर्ग वर्ग अंतराल अंतराल कितना है? कि सभी जगह का अंतर है, इसलिए है। एक का क्लियर हो गया बाकी डी और यू जो ये सब चीजें हैं वो सब हम क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें नब्बे परसेंट चांस है कि इसी पर क्वेश्चन आएगा कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन को पग विचलन विधि से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करो कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ देगा कि कैसे अब ये ना सोचना कि सर कौन से कौन से क्वेश्चन में सी विधि लगाएं तुम्हारे ऊपर है वो तुम्हें सोचना है यह है मेन बात कि हम हर क्वेश्चन को पग विचलन विधि से ज्यादा कोशिश करेंगे सॉल्व करने क्योंकि ये कैलकुलेशन इजी बनाता है फार्मूले से इसके नहीं डरना एक दो बार ये फार्मूला लगाओगे याद हो जाएगा आसान है फार्मूला भी और उसके अलावा ये कैलकुलेशन बहुत इजी करता है इनमें क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे कैलकुलेशन में ठीक कभी पॉइंट से नहीं खेलना पड़ेगा इनमें पॉइंट से खेलना पड़ सकता है कल्पित से जब आई जाएगा कहां पे लगानी पड़ेगी तो वो सीख लेंगे तो आसान है सिंपल है वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं वो तो सीख ही चलते आगे पहला क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर दो दिया गया सबसे बढ़िया उदाहरण दिया गया है दूसरा नंबर में देखो अगर कह रहा है ध्यान समझो कह रहा है नीचे दी गई सारणी में भारतवर्षी राज्यों डिटेल पे उसकी लैंग्वेज पे नहीं जाना जाना तुम बस ये देखना कि हमें ये के रूप में एक टेबल दी गई है और नीचे हमारे पास ये दी बस एक बार पढ़ लेना से कि क्या कहना चाह रहा है माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए माध्य प्रतिशत या माद वो बात एक ही है वो औसत की बात कर रहा है ठीक यहां पर एक चीज इसने लिख दी कि तीनों विधियों तीनों विधियों का मतलब समझ रहे हो कि प्रत्यक्ष विधि कल्पित माध्य विधि पग विचरण तीनों विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो मैंने डिटेल में लेक्चर कराए थे तो इसको तीनों से सॉल्व किया था अभी मैं सिर्फ एक से करूंगा पग विचलन विधि से क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको सीख जाएंगे आप करते करते ठीक तो मैं पहले इस वाली विधि से आपको क्वेश्चन लगाना सिखा रहा हूं आगे कल्पित मार्च से भी सिखाऊंगा अभी इस क्वेश्चन को मैं पग विचलन विधि से कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हमारे आगे काम भी आने वाली है ठीक है मतलब कि और क्वेश्चंस में भी काम आने वाली है तीनों विधियां सीख लेंगे तीनों का एक एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे कम से कम अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं अब हमें ये क्या दी गई है ये टेबल में ये क्या दिख रहा है तुम पहचान जाओगे ना कि क्या दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया ये क्या दी गया है बारम्बार था कैसे निकलेगा वर्ग अंतराल से हम एक्स निकालेंगे अब लिखते हैं इसकी टेबल बना लेते हैं हमें टेबल जो बनानी है इस फॉर्म में तो बनाएंगे नहीं खड़ी खड़ी बनाते हैं। हमारे पास सर वर्ग अंतराल है राइटिंग बड़ा खराब अरे वर्ग अंतराल ठीक और उसके बाद है हमारे पास बारंबारता या इसको सीधे एफ लिखते हैं ठीक वर्ग अंतराल कितना है पंद्रह से पच्चीस पंद्रह से पच्चीस पच्चीस से पैंतीस पैंतीस से पैंतालीस यही है ना हाँ पैंतालीस से पचपन पचपन से पैंसठ पैंसठ से पचहत्तर पचहत्तर से पचासी लास्ट है पचहत्तर से पचास ये हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया है ठीक चलते आएंगे बारंबारता क्या दी गई लिख लेते हैं जो इतना तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में गिवेन है उसको तुम आराम से लिख लो स्केल का यूज करना भाई आराम से वैसे बनाना प्रॉपर मेरी इतना नहीं एफ हमारे पास क्या है छ्यारह सात छ ग्यारह सात फिर हमारे पास चार चार दो एक चार चार दो एक ठीक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए हम अगर सब भी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो वर्ग अंतराल एफ दिया हो तो तुम्हें सबसे पहले एक्स चाहिए चाहे तीनों में से किसी भी दियो से निकालना हो तुम्हें एक्स तो निकालना ही पड़ेगा एक्स कैसे निकलता है इन दोनों को जोड़ के दो से भाग तो पच्चीस और पंद्रह कितना हो जाएगा पच्चीस और पंद्रह से चालीस बटे दो करेंगे तो बीस ठीक पैंतीस और पच्चीस कितना हो जाएगा सर पैंतीस तीन दो पांच और पच्चीस पैंतीस पच्चीस हो जाएगा साठ बटे दो करेंगे तो तीस ऐसे ही आगे करोगे चालीस आ रहा है ये पचास आ रहा है ये साठ आ रहा है ये सत्तर आ रहा है और ये अस्सी आ रहा है देख लो करके वैसे ही होता है जब अंतराल तो सेम है ना तो सिंपल आप देख दस दस जोड़ते जाओ जो। अब लास्ट वाला जोड़ लो पाँच पाँच दस आठ सात पंद्रह एक सौ साठ हो गया बट्टे दो करोगे अस्सी आ जाएगा ठीक एफ और एक्स मिल गया अगली चीज हमें पग विचलन विधि में जो चाहिए देखो अब यहाँ से आओ क्वेश्चन इस इसमें पग विचलन विधि में हमें क्या क्या चाहिए ठीक है एफ और एक्स है ए सबसे पहले निकालो तब तो हम यहां से यू निकाल सकते हैं क्योंकि यू बराबर होता है एक्स माइनस ए बटे एच अब हमारे पास एच है और एक्स है एच की वैल्यू कितनी है यहां पर देखो एच की वैल्यू कितनी है सर यहां पर हम लिख सकते हैं कि एच जो है हमारे पास ये वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर है तो वो हमारे पास दस का अंतर है अरे पच्चीस से पंद्रह दस पैंतीस से पच्चीस दस पैंतालीस से पैंतीस दस सब दस का अंतर है तो दस है ठीक है अब आपको ए चाहिए ए कैसे मिलेगा बीच वाली वैल्यू एक दो तीन चार पांच छः सात ये पचास 50 एकदम बीच में है ना ये तुम्हारे पास क्या है ये सर ए डायरेक्टली ये हमारे पास क्या हो गया ये सर ए हो गया ठीक क्योंकि बीच में है कोई दिक्कत ही नहीं अब तो ये बीच में है, तो ए ही होगा सिंपल 50 हमारे पास ए हो गया हमें अब निकालना क्या है हमें सर निकालना है u u बराबर होता है x a a की जगह है 50 और बटे का h समझ गए ना की जगह पचास है फार्मूले में होता है एक्स माइनस ए बटे एच तो एक्स माइनस ए बटे एच देखो सबसे आसान है यू निकालना बिल्कुल सोचना नहीं कि सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी देखो अब वैल्यू रख के देखो सिंपल एक्स की जगह क्या है एक्स की जगह ये यहाँ पे की जगह ऐसे ही रखते जाएंगे मान लो होता तो पहला दूसरा फिर तीसरा ऐसे बीस तो बीस माइनस पचास और बटे में हमारे पास क्या एच एच कितना है दस तो कितना आ जाएगा सर माइनस तीस बटे दस मतलब कि माइनस तीन ठीक लेकिन आपको ऐसे नहीं रख के करना आप क्या करोगे सबसे बढ़िया काम आप जहां पर पचास है इसके जस्ट सामने क्या लिख लोगे जीरो क्या लिखोगे जीरो कि पचास माइनस पचास यहां पर पचास रखोगे तो पचास माइनस पचास जीरो हो जाएगा सिंपल जीरो इसके ऊपर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इसके नीचे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री बस यही कैलकुलेशन रहने वाली है यू की यही रहने वाली किसी प्रकार का क्वेश्चन हो जब ए मानोगे ए के सामने जीरो ऊपर माइनस की वैल्यू रखते जाओगे नीचे प्लस की वैल्यू रखते जाओगे वही आने वाला है कहीं भी रख के देख लो चालीस रख के देख लो एक्स मान लो चालीस रखते हैं यहां पर एक्स की जगह चालीस रखा तो चालीस माइनस पचास बटे का दस तो कितना हो जाएगा माइनस दस बटे दस माइनस का एक माइनस का एक आ रही है ना ठीक रख के देख लेना कोई दिक्कत की बात नहीं तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तो इसलिए आराम से सीख लो ठीक कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगा इसीलिए तो पग विचरण विधि आसान है यार देखो अब आगे चलते हैं अब आगे हमें क्या चाहिए अब आपको चाहिए u मिल गया तो f u यही तो चाहिए f u चाहिए f u h भी है a भी है f भी है बस f u चाहिए u हमने निकाल लिया तो f u निकाल लो f का गुणा करते चलो देखो f कहां है ये यहां से इसमें होना इसका ना करने लगना f का u में तो 6 3 18 18 11 2 22 22 का 7 जीरो चार एकम चार चार हाँ, चार एकम चार दो चार चार आठ तीन ग्यारह ठीक ग्यारह इधर माइनस के कितने अठारह और बाईस हमारे पास हो गए चालीस और सात सैतालीस मतलब माइनस सैतालीस और प्लस का चार चार आठ तीन ग्यारह सार्� तो ये और ये तीन छत्तीस आ जाएगा ना ये हमारे पास आ गया छत्तीस और वो भी माइनस का जो आ रहा है उसको लिखो माइनस का छत्तीस का छत्तीस एफ, एफ निकाल लो बारमवार कितने है दो एक तीन चार तीन सात सात चार ग्यारह ग्यारह सात और अठारह और चौबीस ग्यारह पैंतीस पैंतीस है ठीक कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना बाकी कोई दिक्कत नहीं अब हम सीधे बार वाला अपना फार्मूला लगाते हैं जो हमारे पास एक्स बार वाला फार्मूला है एक्स बार बराबर होता है सर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बटे का हमारे पास होता है सिग्मा एफ और गुड़े में होता है एच सभी की वैल्यू है ए कितना है पचास सिग्मा एफ इंटू यू अब यहां पे माइनस का छत्तीस है तो माइनस लगा लेते ले। तो आ जाएगा पचास इसको कैलकुलेट कर लेना भाई माइनस का ये माइनस हमने आगे लिख लिया माइनस छत्तीस बटे पैतीस बुणे दस छत्तीस बटे पैंतीस करोगे तो एक दसमलव कुछ आएगा ये एक दसमलव कुछ आएगा और गुणे हो जाएगा दस का मतलब दस एक दशमलव कुछ कम होगा तो उनतालीस दशमलव कुछ आ जाएगा आंसर हो जाएगा कैलकुलेट कर लेना भाई कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा बस इतनी छोटी सी कैलकुलेशन बचती है लास्ट में और बहुत आसान हो जाती है बस कंफ्यूज नहीं होना आराम से आप क्वेश्चन पूरा लगा लोगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं कहीं कोई समस्या लग रही हो तो बताओ ए मानना है पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना है एक बार रिपीट करता हूं सबसे पहले एक्स वर्ग अंतराल से पहले एक्स निकालो दोनों को जोड़ के दो से बात करो एक्स एक ऐसे मानते हैं जो सर बीच की वैल्यू अभी सर विषम है मतलब बीच की एक वैल्यू मिल रही कभी कभी दो भी मिल सकती है तो दोनों में से कोई भी एक ले लो कोई दिक्कत नहीं यू एक्स माइनस ए बटे एच निकाल लिया एफ इंटू यू करो फार्मूले में वैल्यू रखो आंसर पाओ अब तुम्हें इसी को कल्पित माध्य से करना होता तो हम क्या करते बताओ सिंपल समझो यहां तक तो सेम जाते ए तक निकालना सेम करते यहां तक कंडीशन पूरी सेम थी कल्पित माध्य के लिए

ये डी होता है, तो एफ इंटू डी से फिर यहाँ पे वैल्यू बड़ी आती और वैल्यू बड़ी आके फिर भाग लगाते तो कुछ बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता और कुछ नहीं बस यही होता सिंपल वहां पे एच की जरूरत नहीं पड़ती एच का कोई यूज नहीं होता वो यू विधियम कब यूज करते हैं अब सिंपल सी बात समझो अगले क्वेश्चन में मुझको बताते हैं अगला क्वेश्चन में है ऐसा शायद अगले में तो नहीं है इसके बाद वाले में है शायद हाँ इसी में है देखो

पचास हो गया यहां पर पचास हो गया यहां पर पचास हो गया यहां पर ये यह पचास कहाँ हो गए तो सौ हो गया क्या हाँ यहां पे सौ हो गया भाई ढाई सौ से डेढ़ सौ सौ हो गया यहां पर भी सौ हो गया और यहां पर भी सौ हो गया एच देखो जगह जगह बदल रहा है चालीस है फिर पचास है फिर सौ तो है ऐसे केस में या तो एच तो तो तुम मानोगे तो अपने मन से कोई वैल्यू मान सकते हो कोई जो सब में काम आ जाए लेकिन वो सब दिमाग में ना रखो मेरे समाज से यही दिमाग में रखो कि जब ऐसे केस हो कि एच अलग अलग वैल्यू आ रही है अब एच की वैल्यू यहाँ चालीस है यहाँ पचास है यहाँ पे सौ हो गई जैसे पिछले वाले केस में देखो तो हर जगह दस है यहाँ पर भी दस है यहाँ पर भी दस 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 हर जगह दस दस का अंतर है लेकिन इस केस में एच की वैल्यू आगे जाके बदल रही है बदल सकती है वर्ग अंतराल बदल सकता है तो एच की वैल्यू बदल जाएगी

इस क्वेश्चन में वैसे कर सकते थे ज्यादा टफ नहीं होता सिंपल अगर हम इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाते तो बहुत आसान होता क्वेश्चन देखो यहां से हो जाता है एक सौ यहाँ एक टेबल हम सिंपल इसके आगे क्या जोड़ दो मालूम तुम्हें बताना चाहे देखो शॉर्ट में समझ लो ताकि ये ना रहे कि सर ये नहीं बताया अभी एफ एक्स की सिंपल एक टेबल बनती ये नहीं बनती उसके इसमें ठीक हम प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ इसको सीधा इसको गुणा करके ये बनाते टक 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 ये आती वैल्यू इनको जोड़ लेते और सिग्मा एफ से भाग दे देते से वही आंसर हो जाता

थोड़ा सा साफ तो लिखो भाई वर्ग अंतराल फिर आप लिखोगे F क्या दिया गया वर्ग अंतराल कहां से कहां है 20 से 60 20 से 60 60 से 100 20 से 60 60 से 100 फिर हमारे पास है 100 से डेढ़ सौ सौ से डेढ़ सौ फिर हमारे पास है डेढ़ सौ से ढाई सौ डेढ़ सौ से ढाई सौ ढाई सौ से साढ़े तीन सौ और साढ़े तीन सौ से साढ़े चार सौ यहीं तक जाना है साढ़े चार सौ तो ठीक साढ़े चार सौ ठीक एफ हमारे पास क्या है सात पाँच सोलह सात पाँच सोलह बारह दो तीन बारह दो ये हमारे पास एफ है काम शुरू करते हैं आधा काम तो वैसे ही है जैसे कल्पित पग विचलन विधि में करते थे या कल्पित माध्य विधि में पहला काम तो आपको एक्स निकालना ही पड़ेगा उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है ठीक कंफ्यूजन होना मैंने बताया था एक्स आई एफ आई लिख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है एक्स कैसे निकलेगा इन दोनों को जोड़ के दो से बात अब एक्स यहां पर देखना ऐसा ना करना कि सिंपल वैसे ही लिखते चले जाए जैसे अभी हमने लिख दिया था कि बीस है फिर तीस है फिर चालीस है पचास साठ हर जगह क्योंकि -क्यों दस का अंतर था यहां पर अंतर अलग अलग है तो वैल्यू बदल जाएगी देखना साठ से साठ में बीस जोड़ा अस्सी बटे दो मतलब कि चालीस ठीक यहां से सॉरी ये सौ है ना ठीक सौ साठ जोड़ा एक सौ तो साठ मतलब कि अस्सी ढाई सौ और हमारे पास सौ मतलब दो डेढ़ सौ सौ मतलब, मतलब कि एक सौ पच्चीस दो सौ मतलब हो गया ठीक तो ऐसे लिखना तीन दो पाँच मतलब तीन ये चार सौ साढ़े तीन चार तीन सात एक आठ सौ चार सौ तो ये आ जाएगा चार सौ ये एक्स आ गया ठीक अगला काम हमें क्या करना है हम क्योंकि कल्पित माध्य का उपयोग कर रहे हैं मैं फार्मूला पहले लिखता हूँ देखो कल्पित यहाँ पे लिख देना चाहिए था पग विचलन विधि विचलन विधि ठीक यहां पे हमने पग विचलन विधि लगाई थी अब हम लिखते हैं कल्पित माध्य विधि कल्पित माध्य विधि ठीक कल्पित माध्य विधि में फॉर फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे में होता है सिग्मा f ठीक यही बस सिंपल सा फार्मूला होता है a भी आपको पता है a आप लिख दोगे जब भी क्वेश्चन लिखना तो लिख देना कि a हमारा क्या है फार्मूला क्योंकि क्वेश्चन वहां तो हमें एक करना होगा तो लिख देना d कैसे निकलता है x a करके इतनी चीजें लिख देना अच्छा लगेगा सोबनी लगेगा अब बात करते हैं d की तो d बराबर क्या चाहिए हमें x a a कैसे निकलेगा a कैसे निकालते हैं एक्स में जो बीच वाली वैल्यू होती है दो दो चार दो छह देखो यहां पे सम का केस आ गया मतलब कि दो वैल्यू बीच में एक सौ पच्चीस भी बीच में है और दो सो भी बीच में दोनों वैल्यू बीच में ये भी दो नीचे नीचे भी दो तो कोई भी ले लो दो ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान रहेगी क्योंकि घटाना भी एक सौ पच्चीस से घटाना टफ रहेगा तो मैं दो सौ ले, ले लेता हूं ये हमने क्या किया ए ले लिया ठीक अब लिखना शुरू करो एक्स माइनस कर रहा है दो सौ माइनस सौ चालीस एक सौ साठ दो सौ माइनस एक सौ अस्सी

आप इससे घटाओगे इससे घटाओगे इससे घटाओगे तो इससे इसको घटाओगे तो माइनस की वैल्यू आएगी ठीक डी आ गया अब हमें क्या चाहिए सर डी के बाद हमें चाहिए एफ इंटू डी बस एफ के साथ गुणा कर लो एफ हमारे पास है तो सोलह सत्ते सौ बारह मतलब कि माइनस का ग्यारह सो बीस बारह पंचे साठ मतलब कि 600 सौ सोलह इंटू पचहत्तर कर लेते हैं सोलह पच्चे अस्सी और सोलह सत्ते सोलह पच्चीस अस्सी हाँ ठीक है सो सोलह ही था ना इधर हम्म और फिर सोलह फतेह सात छः बयालीस एक सौ बारह और एक सौ बारह और आठ एक सौ बारह और आठ एक सौ बीस मतलब कि बारह सौ आ जाएगा ना माइनस का बारह सौ ठीक कोई दिक्कत नहीं अब आ जाओ ये तो जीरो हो गया ये हो गया दो सौ और ये हो गया दो तियाँ छः सौ ठीक कोई दिक्कत नहीं छः सौ हो गया अब निकाल लेते हैं सबका योग इधर आ जाओ फार्मूले में रखना है तो सिग्मा एफ बराबर ये कितना हो जाएगा बाईस पांच, बाईस पांच, और पास हो जाएगा। और, दस हाँ, और दस हो जाएगा बत्तीस बत्तीस छह हो जाएगा अड़तीस सात अड़तीस पैतालीस मतलब कि ये फोर्टी फाइव आ जाएगा ठीक 45 ही आ रहा है ना एक बार फिर से कर लेते हैं 3 2 5 और 5 10 10 और 7 17 17 और 12 हमारे पास हो जाएगा 17 और 12 हमारे पास हो जाएगा 29 29 और 16 हो जाएगा 29 और 10 39 45 ही आएगा ठीक है इसको जोड़ो सिग्मा f d f d इसमें कैलकुलेशन देख थोड़ा सा टफ रहती है अभी u में थोड़ा आसान हो जाती है लेकिन चलो कोई नहीं अब यहाँ पे तो आसान देखो से माइनस का 600 प्लस का 600, 600 कट जाएगा इससे माइनस बारह सौ दो माइनस का हजार बचेगा माइनस हजार और माइनस का 11 20 मतलब कि आ जाएगा माइनस का 2120 तो ये आ जाता माइनस का 2120 यही तो आएगा यही आएगा माइनस ग्यारह बीस और हजार जीरो दो एक दो इक्कीस सौ बीस आएगा ठीक है ठीक कैलकुलेसन देखते रहना भाई क मिस्टेक हो तो उससे चेक कर लेना और सही कर लेना उसे बाकी कॉन्सेप्ट समझ लो अपना एक्स बार बराबर हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा फार्मूले में सीधी वैल्यू रखो एक की वैल्यू कितनी है दो सौ प्लस सिग्मा एफ इंटू डी मैंने निकाल लिया माइनस का इक्कीस इंटू बीस और बटे में सिग्मा एफ है पैंतालीस भाई कैलकुलेट कर लेना ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है ये तो कर ही लोगे ये हो जाएगा दो सौ माइनस का इक्कीस बीस बटे पैंतालीस काट कूट लेना एक्स बार कैलकुलेट करके आंसर लिख लेना यही आंसर है क्लियर है सभी को भाई दोनों विधियां आप कंप्लीट हैं दोनों विधियों से क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आराम से हो जाएंगे दोनों क्वेश्चंस आपसे कल्पित माध्य से पूछे डायरेक्ट चाहे पोल दे कि कल्पित माध्यम से करना है तो भी ऐसे करो जब आपको पता चल जाए कि सर वर्ग अंतराल अलग अलग हमें दिख रहा है तो भी कल्पित माध से कर देना अगर तुम्हें तो दिख रहा है कि कुछ नहीं लिखा है या उसने लिखा है कि पग विचलन विधि से करो या कुछ नहीं लिखा है और या फिर उसमें एच सेम है तो आपको क्या करना है सिंपल आप कुछ ना करना पग विचलन विधि लगाना जब भी तुम्हें डाटा अजीब सा दिखे थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा दिखे कि पे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी अगर हमें प्रत्यक्ष विधि विधि या कल्पित माध्य पे तो आप ये पे जाना इस कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी और क्वेश्चन का सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा है फार्मूले से नहीं डरना मेरी यही है मतलब यही अपेक्षा है कि आप ऐसा ही करो कि पग विचलन विधि को ज्यादा से ज्यादा करो तो इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है बाकी आपको जैसा सही लगे अगर आपको लग रहा है कि नहीं उससे हम सही कर देंगे तो कर देना मैं ऐसा नहीं कुछ मना नहीं कर रहे लेकिन मेरे हिसाब से जो हम बता रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी ज्यादा आएगा तो इसकी प्रैक्टिस करके तो जरूरी जानी है ठीक है तो हो गए तीनों लगभग एक प्रकार का क्वेश्चन और कर लेते हैं जैसे कि जैसे ये क्वेश्चन है एक ये एक और करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में एक खास बात है और इस क्वेश्चन में भी एक खास बात है कि जैसे यहां पर तुम्हें बारम्वार्ता में बीच में एफ नहीं दिया है एफ दिया ही नहीं है तीसरा क्वेश्चन है

ये साठ से खत्म हुआ तो अगला साठ से शुरू हुआ ये सौ से खत्म हुआ तो अगला सौ से शुरू हुआ ये डेढ़ सौ से खत्म हुआ डेढ़ सौ से शुरू हुआ ढाई सौ से खत्म हुआ ढाई सौ से शुरू हुआ ये साढ़े तीन सौ से खत्म हुआ साढ़े तीन सौ से शुरू हुआ ये पच्चीस से खत्म हुआ पच्चीस से ही शुरू हुआ पैंतीस से खत्म हुआ अगला पैंतालीस से ही शुरू हुआ पचपन से खत्म हुआ अगला पचपन से ही शुरू हुआ पैंसठ से ख़त्म हुआ अगला पैंसठ से ही शुरू हुआ मतलब अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसमें ये कोई अलग मतलब संख्या से शुरू हो रहा अंतर कुछ मिल रहा हो इसमें सिंपल सी बात ये बताना चाह रहे हैं थिक? अब इस वाले क्वेश्चन में खास बात यह बावन से खत्म हुआ लेकिन बावन से नहींपन से शुरू हुआ छप्पन से शुरू हुआ मतलब पचपन से नहीं शुरू हुआ थे सेम संख्या से नहीं हुआ जिससे खत्म हुआ था उसी से नहीं शुरू हुआ बीच में असतत है सतत और असतत अंतराल इन्हें बोलते मतलब हैं कंटिन्यूस लगातार है। जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू हो गया असत है ये कि बावन से खत्म हुआ बीच में एक छोटा सा एक नंबर का ब्रेक लिया त्रेपन से शुरू हुआ कैसे निकलेगा, उसकी बात कर लेते। बाकी सेम है करना किस विधि से है रखे गए आमों की संख्या का माध्य अपने माद करने के किसी विधि का उपयोग कर सकते हो हम पग विचलन से ही चलेंगे उससे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की चलते क्योंकि दशमलव की बात आएगी उसमें दशमलव का यूज भी नहीं करना पड़ेगा चलते आमों की संख्या है हमें उससे लेना देना नहीं हम वर्ग अंतराल लिखते हैं आप वर्ग अंतराल लिखो सिंपल आपने लिखा वर्ग अंतराल फिर आगे लिखा आपने एफ बारम्बार था वर्ग अंतराल में क्या दिया गया है पचास से बावन ठीक फिर है त्रेपन से पचपन ठीक और फिर छप्पन से अट्ठावन फिर हमारे पास है उनसठ से है उनसठ से इकसठ होगा ना उनसठ से इकसठ फिर है बासठ से चौसठ से ठीक है। चलते हैं। एफ दी गई एफ लिख लेते हैं क्या करना एफ का एफ लिख लो क्या करना या पहले बारंबारता था इसको सतत बना ले फिर एफ लिख देना लिख दो एफ लिख लो एफ से चर्चा ना करो पंद्रह एक सौ दस पंद्रह 110, 135, 115 और 25, 115 और 25. पहले आप क्या करते हैं वर्ग अंतराल को सतत बनाते हैं ठीक वर्ग अंतराल फिर से लिख देते हैं वर्ग हम फिर से लिख देते हैं ठीक वर्ग वर्ग अंतराल लिख लो चाहे वर्ग लिख लो उससे कोई मतलब नहीं सतत कैसे बनाया जाएगा इंपॉर्टेंट बात ये। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस वर्ग अंतराल को हम सतत कैसे बनाए यहाँ लेते हैं सतत। वैसे कोई दिक्कत नहीं भी तो भी है मतलब आपने देखा कि यहां पर कितने का गैप है बावन से तिरपन में एक का पचपन से छप्पन में एक का अठावन से उनसठ में एक का इकसठ से बासठ में एक का हर जगह एक का अंतर है कितने का अंतर चल रहा है एक का अंतर चल रहा है एक का आधा मतलब कि जियो दशमलव पांच इसका आधा करते हैं तो क्या आता है जीरो दशमलव पांच तो जीरो दशमलव पांच क्या करोगे आप जीरो दशमलव पांच इसमें घटा दोगे और इसमें जोड़ दोगे निम्न सीमा में क्या करोगे निम्न सीमा में जीरो दशमलव पांच घटाओगे माइनस का जीरो दशमलव पांच करोगे और उच्च सीमा में आप क्या करोगे प्लस का जीरो जीरो दशमलव पांच जोड़ दोगे ठीक तो जो अंतराल में जितने का अंतर होता है उसका आधा करके आप क्या करोगे निम्न अंतराल में जोड़ दोगे निम्न अंतराल में घटा दोगे और उच्च अंतराल में उसे जोड़ दोगे ठीक मतलब पचास में जीरो दशमलव पांच को घटाओगे और बावन में जीरो दशमलव ये होता है एक का ही अंतर होता है तो आप एक का अंतर है तो उसका आधा तो जीरो दशमलव पांच आया था जीरो दशमलव पांच को आप क्या करोगे निम्न अंतराल में घटाओगे और उच्च अंतराल में जोड़ दोगे तो वो सतत हो जाएगा कैसे देखो मैंने निम्न अंतराल में क्या किया जो दशमलव पांच घटाया तो पचास में जीरो दशमलव पांच घटाओगे तो उनचास दशमलव पांच बचेगा इसमें बावन दशमलव पांच में जीरो दशमलव दशमलव पांच हो तो तो जाएगा तो देखो सेम होने लगा ये चीज यहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया अब छप्पन में जीरो दशमलव पांच घटाओगे तो पचपन दशमलव पांच बचेगा और अट्ठावन में जोड़ दोगे तो अट्ठावन दशमलव पांच हो जाएगा ऐसे ही यहां पर हो जाएगा फिर ये हो जाएगा उनसठ दशमलव अरे अट्ठावन दशमलव पांच और फिर यहां पर हो जाएगा इकसठ दशमलव पांच यहां पर हो जाएगा इकसठ दशमलव पांच और यहां पर कितना हो जाएगा चौसठ दशमलव हमारे पास सतत वर्ग अंतराल हमने बना लिया कैसे बनाया समझ में आ गया कि हमने जीरो दशमलव पांच को निम्न सीमा में घटाया और उच्च सीमा में जोड़ा क्यों जीरो दशमलव पांच को घटाया क्योंकि अंतर इसमें एक का था तो एक का आधा होता है जीरो दशमलव पांच उन्हीं को हमने जोड़ घटा लिया दोनों तरफ से ठीक जितने का अंतर है उसके आधे को आप क्या करोगे निम्न सीमा में घटा लोगे और उच्च सीमा में जोड़ लोगे वैसे क्वेश्चन अपने पास जो सिलेबस में है वो एक के ही मिलेंगे तो जीरो दशमलव पांच वाला ही मिलेगा और दूसरा नहीं मिलने वाला कि आप जीरो दशमलव पांच को घटाओगे और जीरो पांच को जोड़ लोगे निम्न सीमा में घटाओगे उच्च सीमा में जोड़ोगे ठीक है ये निम्न सीमा में घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है क्लियर अब ये सतत हो गया अंतराल हो गया अब एक्स निकालो एक्स निकालना क्या टफ हो जाएगा अब क्या एक्स निकालना टफ होगा टफ तो नहीं होना चाहिए क्योंकि दशमलव दोनों साइड है तो अपने आप आराम से निकलेगा कैसे निकलेगा इनको जोड़ लो चाहे इनको जोड़ के, के दो से भाग करो चाहे इनको जोड़ के दोनों से बात वही है चाहे आप इसको जोड़ के भी दो से भाग करोगे तो भी वही आया था पचास और ये हमारे पास सौ हो गया एक सौ दो एक सौ दो बटे आप करोगे दो तो आपके पास कितना आ जाएगा इक्यावन चाहे इसको करो देखो उनचास दशमलव पांच और बावन दशमलव पांच तो कितना आ जाएगा पाँच पाँच दस नौ और दो पांच पांच दस नौ दो ग्यारह एक बारह चार पांच नौ एक दस तो एक सौ दस एक सौ दो दशमलव जीरो आ जाएगा ठीक इसको दो से आप भाग करोगे दो पंच दस दो एक तो इक्यावन इसको करोगे तो बावन दशमलव पांच और पचपन दशमलव पांच तो पांच पाँच दस पाँच दो सात एक आठ पान पान दस एक सौ आठ हो जाएगा चाहे इनको कर लो और तिरपन जोड़ोगे तो भी एक सौ आठ आएगा पांच तीन आठ पाँच पाँच दस ठीक तो एक सौ आठ बटे जब आप दो करोगे तो कितना आ जाएगा दो पंचे दस दो चौकू आठ चौवन ठीक फिर आगे ऐसे ही आएगा सत्तावन फिर आगे क्या आएगा देखो आठ सात आठ छ चौदह हो जाएगा सत्तावन आएगा फिर नौ एक दस फिर हमारे पास क्या आ जाएगा साठ छह और चार और दो कितना हो जाएगा छह तो यहां से कितना आएगा तिरसठ ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई चाहे आप दशमलव वाले जोड़ो चाहे इनको जोड़ो क्योंकि वो सतत बना इधर पांच घटा था इधर पांच जोड़ा तो बराबरी तो रहा उससे कोई मतलब तो है नहीं तो आप उसी को कर लो कोई दिक्कत नहीं ये हमने निकाल लिया एक्स समझ गए एक्स निकालना दोनों को जोड़ के दो से भाग चाहे दोनों को जोड़ के दो से भाग अब चलते हैं अपने पास आगे अब अपना काम स्टार्ट होगा थोड़ा इसमें सतत बनाने वाला काम बढ़ गया बाकी चीजें तो सेम ही है अब जो अभी तक हम लोग कर रहे थे अब फिर से वही काम हमें तो निकालना पड़ेगा ए, ए कहा मिलेगा दो तीन दो पांच मतलब सत्तावन ए ये क्या है ए दो, दो ए हमारे पास क्या है सत्तावन हमें पता है पग विचलन विधि से करेंगे फार्मूला लिख देते हैं पग विचलन विधि पग विचलन विधि क्या कहती है कि एक्स बार अगर तुम्हें माध्य निकालना है तो ये होता है ए प्लस सिगमा एफ इंटू यू अपौन का सिग्मा एफ और गुणे में होता है एच गुणे का एच ना भूलना भाई ठीक है और यू कैसे निकलता है एक्स माइनस ए बटे का एच एच हमारे पास क्या है वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल यहाँ पर कितने का है तीन का है उनचास दशमलव पांच और बावन पांच, तीन का है। अरे दसमलव के बाद पचास फिर इक्यावन फिर बावन बावन के बाद त्रेपन चौवन फिर पचपन पचपन का छप्पन सत्तावन फिर अठावन तीन का तो यहां पर हमने है? है। लिख दिया वर्ग अंतराल से यू निकालते क्या है हमारे पास सत्तावन बटे का क्या होता है एच ट्रिक वही है ए निकाल, यू निकालने की ट्रिक अपने पास बटे एच करोगे एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है तीन तीन से भाग करोगे कितना एक माइनस का हो जाएगा फिर यहां करोगे इक्यावन तो माइनस सत्तावन कितना होगा इक्यावन माइनस सत्तावन माइनस का छे ठीक बटे एच मतलब बटे तीन से भाग करोगे माइनस छह में माइनस का दो ये एक ये दो वही है उसमें कुछ सोचना ही नहीं है यू निकालने में बस लिखना है ये बाकी कोई कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है ठीक अब आप क्या करोगे एफ इंटू यू निकाल दो एफ इंटू यू निकालते एफ इंटू एफ कहाँ है भाई ये पंद्रह दूना तीस माइनस तीस एक सौ दस माइनस का एक सौ पैंतीस का जीरो हो गया ये एक सौ पंद्रह हो गया और पच्चीस दूना पचास हो गया अब सब निकालो सिगमा एफ इंटू यू सिग्मा एफ ठीक जोड़ो सभी को सिग्मा एफ अलग निकाल लेते हैं पांच पांच दस पांच पंद्रह पांच बीस के जीरो हांसी लगा दो तीन एक चार दो छह एक सात एक आठ दो दस जीरो लगा हाँसी लगा एक एक दो तीन एक चार चार सौ सिग्मा एफ आ गया चार सौ एफ यू निकालो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 140 और ये हो जाएगा प्लस का एक ये तो होगा पंद्रह पचास पैंसठ तो 25 आ जाएगा प्लस का आएगा ये माइनस की है ये प्लस की वैल्यू है तो प्लस का 25 आ जाएगा पांच चार दो छह प्लस का 25 आ जाएगा देट्स योर राइट सब कुछ आ गया वैल्यू रख लो पग विचलन विधि एक्स बार बराबर ए हमारे पास क्या है सत्तावन सत्तावन लिख लो प्लस का सिग्मा एफ़ इंटू यू एफ इंटू यू कितना आया है पच्चीस प्लस का है बाईस बार और बटे में सिग्मा एफ चार सौ गुड़े में एच तीन एक्स बार बराबर आ जाएगा सत्तावन इसको कैलकुलेट कर लेना यार कटेगा पच्चीस एकम पच्चीस पाँच पंद्रह पच्चीस छाखा डेढ़ सौ सोलह तो तीन बटे सोलह इसको भाई कैलकुलेट कर लेना आंसर है सत्तावन प्लस तीन बटे सोलह दैट्स योर राइट आंसर एक्स बार आ जाएगा सत्तावन प्लस तीन बटे सोलह दैट्स योर राइट आंसर क्लियर अब तो आ गया होगा समझ में भाई पग विचलन विधि कल्पित माध्य विधि कुछ भी नहीं है आसान है सिर्फ स्कोरिंग सब्जेक्ट है भला स्कोरिंग टॉपिक है स्कोरिंग चैप्टर है सब्जेक्ट की तो बात नहीं करेंगे ठीक है क्लियर समझ गए ना इसको सतत बनाना सिर्फ काम था बाकी सब वही किया है आराम से आप निकाल सकते हैं एक क्वेश्चन और करना है भाई ये वाला कि इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करना है कि अगर बीच में F आ जाए तो कैसे निकालना है आसान है तरीका वही है बस एफ का थोड़ा खेला रहेगा उसको कर लिया जाएगा यू हम पग विचलन विधि करेंगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान रहती है ठीक है फिर आगे बहुलक स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस थोड़ी देर हो बहुलक और वो छोटे छोटे टॉपिक है इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया बाकी वो ज्यादा इतना टाइम नहीं लेंगे चलते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं क्या दिया गया है वर्ग अंतराल लिखो वर्ग अंतराल और बारंबारता था एफ बैठो रहो भागना नहीं कहीं अभी पूरा हो रहा है थोड़ी देर और रुको वर्ग अंतराल ग्यारह से तेरा तेरह से पंद्रह पंद्रह से सत्रह फिर है सत्रह से उन्नीस उन्नीस से इक्कीस और उन्नीस से इक्कीस फिर है और इक्कीस से तेईस अरे भाई गलतियां नहीं करो ठीक है और तेईस से पच्चीस कैलकुलेशन भाई देखते रहना, कहीं तुम्हें तो मिस्टेक लगे तो सही कर लेना भाई क्योंकि तो मैं कमेंट तुम्हारे देख रहा होता तो आप लोग बता देते F हमारे पास क्या है सात छह नौ सात छो तेरा फिर एफ पांच चार बीच में मसला एफ ने खराब कर दिया बाकी तो क्वेश्चन आसान था एफ की जगह अगर वैल्यू दे देता तो, तो हम कर लेते लेकिन सर एफ अगर दे दिया है तो क्या करना है उसको थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं कि कैसे क्या होने वाला है चीजें आसान है वैसे कोई दिक्कत नहीं है पहले काम हमें वही करना है एक्स निकाल लो जो अभी तक कर रहे थे वैसे ही चलेंगे बाकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ग्यारह तेरह मतलब क्यों हो गए चौबीस बटे दो बारह पंद्रह और तेरह पांच तीन आठ दो अट्ठाईस चौदह मतलब दो दो का अंतर चल रहा है ठीक है सात पांच बारह और एक एक दो तीन हो जाएगा बत्तीस तो सोलह वही चल रहा है अठारह बीस बाईस चौबीस पाँच तीन आठ चार दो दो चार ठीक है? दो दो का अंतर चल रहा है

एच कितना है वर्ग अंतराल समय अंतराल दो का है बराबर है सर दो यू निकालने में टेंशन बिल्कुल नहीं है जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन और टू और थ्री बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है वही है देख के रख लो भाई एक बार देख लो बारह में से अठारह जाएंगे कितने बचे माइनस छह बटे दो करोगे माइनस तीन चौदह में से अठारह जाएगा माइनस चार बटे दो करोगे माइनस का दो हम लिख रहे हैं पग विचलन विधि पग विचलन विधि काम वैसे ही करना है कुछ नहीं सोचना है x बार आपने लिखा a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बटे डी नहीं भाई सिग्मा f और बट गोड़े में यू निकल आया एफ इंटू यू निकाल लो एफ इंटू यू एफ कहा है भाई ये सात इक्कीस की माइनस का छह दूना बारह माइनस का माइनस का नौ जीरो एफ पाँच दूना दस और चार तिया बारह जोड़ना घटाना पड़ेगा उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं सिग्मा एफ निकालते हैं पहले सिग्मा एफ बराबर आ जाएगा पाँच चार नौ नौ नौ, नौ, नौ अठारह अठारह और तेरह कितना हो जाएगा अठारह और तेरह इकतीस हाँ अठारह और तेरह अठारह और दस अट्ठाईस तीन इकतीस इकतीस करो इकतीस और, और हमारे प्लस चवालीस तो हो जाएगा ठीक है इसको कर लो कितना आएगा ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्लस चवालीस ही आएगा हाँ ठीक है बारह दस बाईस और ये कितना बारह से बारह काम खत्म करो बारह से बारह का काम खत्म नौ से दस का काम खत्म होगा तो प्लस का एक बचेगा इसका सिंपल बीस बचेगा माइनस का तो ये बचेगा एफ और माइनस का बीस ठीक है ठीक एफ माइनस बीस बचेगा कौन सा सिग्मा एफ इंटू यू सिग्मा एफ इंटू यू बराबर होगा एफ माइनस बीस ठीक हाँ बीस माइनस का होगा इसलिए ठीक है वैल्यू रख दो यहां से आओ x बार बराबर a हमारे पास कितना है a तो है 18 प्लस सिग्मा f इंटू यू कितना आया है f माइनस बीस ये हमारे पास सिग्मा f कितना आया है सिग्मा f हमारे पास है सिग्मा f कहाँ है भाई ये x प्लस ए, एफ प्लस चौवालीस और h कितना है h हमारे पास है दो एक्स बार दिया होगा क्वेश्चन में एक्स बार दिया होगा भाई x बार बराबर कितना दिया देखो क्वेश्चन x बार बराबर हमें दिया है अठारह देखो माध्य जेब खर्च अठारह है लुप्त बारंबारता f निकालनी है x बार, बार बराबर अठारह ये हमें माध्य दिया है लिख देते हैं ब्रैकेट में दिया ठीक अठारह रख दो अठारह जैसे ही x बार की जगह तुम रखोगे क्वेश्चन तो आसान हो गया यार ये कट गया ना 18 से 18 कट गया इधर जीरो बचा के तो ये बचा f 20 और ये बचा एफ प्लस चौवालीस और ये हमारे पास है गुणे में दो ये जीरो हो जाएगा, आएगा, और ये दो भी जीरो हो जाएगा, तो केवल बचेगा एफ माइनस बीस तो एफ बराबर कितना आ जाएगा बीस ये बारम्बार बारम्बारता कितनी होगी बीस तो यहां पर F जो बारंबारता लुप्त बारंबारता है जो दी नहीं है जो हमें निकालनी है वो हमारे पास कितनी है वो 20 के बराबर है ये हमारे पास माध्य का पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था इंपॉर्टेंट ये था कि सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एक बार में कवर हो जाए बाकी आपके लिए सब आसान है कुछ ऐसा नहीं है हमें लगता है कि अब सारी क्लियरिटी तुम्हें तो मिल गई होगी कि कैसे क्या एक्स है क्या ए है क्या एफ है क्या एच है क्या यू है क्या डी है ठीक है तो कल्पित माध का भी क्वेश्चन कर लिया पग विचलन विधि का भी कर लिया प्रत्यक्ष विधि आसान है एफ इंटू एक्स करना है आप ऑन सिग्मा एफ से भाग दे देना और कुछ नहीं करना वो एकदम उसमें कुछ है ही नहीं ठीक है तो अगर कोई पूछता है तो आप आराम से सारी विधियों से क्वेश्चन कर सकते हैं अब यहां से हम लोग क्या करते हैं अब हमारा ये काम खत्म हो गया अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला पार्ट जिसको हमारा नाम है बहुलक मोड की बात करते हैं कि बहुलक पर हमारे पास कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है तो मोड हम लोग स्टार्ट करेंगे अब वैसे बहुलक बहुत आसान टॉपिक है अगर देखा जाए तीन प्रकार के आंकड़े यहां पर भी हम बात करेंगे मान लो हम पढ़े हुए हैं नाइन्थ में तो पढ़े हुए हैं पहला हमारे पास कौन सा है यथा प्राप्त आंकड़े यथा प्राप्त आंकड़े ये हमने वैसे नाइन्थ में पढ़ा हुआ है बहुत आसान सा टॉपिक है मैं लेकिन एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ ताकि हल्का सा रिवीजन हो जाए यथाप्राथ आपकड़े में क्या होता है मान लो हमारे पास कोई आंकड़ा दिया गया जैसे दो कॉमा तीन कॉमा तीन कॉमा चार सात तीन नौ ठीक ये हमारे पास एक आंकड़ा दिया गया अब आपसे कह रहा है कि इस आंकड़े में आप क्या करो बहुलक ज्ञात करो बहुलक का एक प्रकार से सबसे ज्यादा बेसिक जो मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो जो मान सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो ठीक है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू अगर हम बोले इंग्लिश में तो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू बोल सकते हैं जो सबसे बार रिपीट होती है सबसे ज्यादा बार आती है तो वो हमारे पास इसका बहुलक हो जाती है सबसे आसान होता था आप ऐसे देखा आपने देखा कि तीन जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है एक दो तीन बार तो यहां पर सीधे हम लिख देते थे कि बहुलक जो है हमारे पास वो क्या होगा सर बौलक तीन होगा ठीक इसी में अगर कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता था तो एक ये होता था ये मान लो ए पार्ट ले लो बी पार्ट में देख लेते हैं इसी में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा तो ये कर देगा कि दो कौमा दो कॉमा चार कौमा सात कौमा एक कौमा तीन कौमा सात मान लो ये क्वेश्चन कर दिया अब इसमें हम अगर हमें ढूंढना है कि सबसे ज्यादा रिपीटिंग वैल्यू जो हमारे पास बहुलक होता है कि सबसे ज्यादा बार कौन हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू दिख रही होंगी कौन कौन सी सर यहाँ पर हमारे पास दो भी दो बार रिपीट हो रहा है और सात भी दो बार रिपीट हो रहा है दो भी दो बार और सात भी दो बार तो किसको बहुलक ले तो दोनों को ले लो कोई दिक्कत नहीं बहुलक में एक से अधिक वैल्यू ली जा सकती है कोई दिक्कत नहीं तो दो और तीन जो दो और सात जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा तो इसका बहुलक क्या हो जाता था दो और सात दोनों वैल्यू ले, ले, ले लेते थे ठीक तीसरे प्रकार की बात कर ले कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे दो तीन चार पांच छ अब इसमें बहुलक बताना है अब इसमें कोई भी एक से ज्यादा बार नहीं आ रहा सारी अलग अलग वैल्यू है सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो अगर सारी डिफरेंट वैल्यू है तो उस केस में हम बहुलक नहीं ज्ञात कर सकते यहां पर लिखेंगे बहुलक नहीं है क्या लिखोगे बहुलक नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि किसी में कुछ भी ज्यादा एक से ज्यादा बार ना रिपीट हो रहा हो तो उस केस में हम बोल देते थे बहुलक नहीं है बेसिक सी बात है बहुल आपको आता भी होगा आशा है कि पता भी होगा नहीं पता होगा तो रिवाइज हो गया होगा अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रकार के आंकड़ों के बारे में जो हमारे पास है आंकड़े वैसे यहाँ पर टेंथ में सारे चाहे माध्य की बात हो चाहे माध्यक की चाहे बहुलक की सब में वर्गीकृत आंकड़ों पर बात होनी है मैं ये सिर्फ नाइन्थ में आप लोग टेंथ में कहीं ना कहीं आप पढ़े हो एक बॉडी रिदम में आ जाए उसको फील कर पाए चीजों को इसलिए मैं ये बता दे रहा हूं शॉर्ट में हल्का हल्का सा ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ, हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी बाकी इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है बहुत लोगों को आता भी होगा लेकिन इसका बताने का पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एकदम कोई चीज नई ना लगे ऐसा लगे कि हाँ ये सब चीजें तो करी है हमने आसान सी लगने लगेंगी ठीक है अब वर्गीकर आंकड़े में क्या होता है उसमें तो हमारे पास टेबल होती है टेबल में मान लो हमारे पास एक्स होगा और एफ होगा ये एक्स है ये एफ है ठीक एक्स में हमारे पास कुछ दिया है तीन सात नौ ग्यारह चौदह ठीक ये हमारे पास एक्स की टेबल है मान लो यहीं तक मान लो कोई दिक्कत नहीं और हमारे पास एफ दिया हुआ है यहाँ पर है तेरह सत्रह ग्यारह उन्नीस और बारह ठीक ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है हमने मान लिया अवर्गीकृत में हमारे पास क्या होता था एक्स और एफ होता था एक्स और एफ टेबल के रूप में दिया जाता था तो इस केस में हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं वही मतलब बहुलक का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो जो सबसे बार जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा बार क्या हो बारम्बार था F हमारे पास क्या होती है फ्रीक्वेंसी बारम्बार क्या होती है बारम्बार हमारे पास क्या होती है तो जिसकी सबसे ज्यादा बार बारंबारता होगी वही उसका, उसका बहुलक हो जाएगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी इसका मतलब क्या है कि तेरह जो तीन है वो तेरह बार आ रहा है सात है वो सत्रह बार आ रहा है नौ है वो ग्यारह बार आ रहा है ग्यारह जो है वो उन्नीस बार आ रहा है चौदह जो है वो बारह बार आ रहा है तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है सर सबसे ज्यादा बार जो है ये उन्नीस अगर देखें उन्नीस बार कौन आ रहा है ये ग्यारह आ रहा है सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है ग्यारह कितने बार उन्नीस बार तो संपल हमारे पास बहुलक क्या हो जाएगा ग्यारह तो यहां पर बहुलक बहुलक क्या हो जाएगा डायरेक्टली हम लिखेंगे है सर बहुल जो सबसे ज्यादा अधिक बार आ रहा होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी जो एफ ये क्या दर्शाता है कि तीन तेरह बार आया इस वजह से इस टेबल की जरूरत पड़ी जैसे ये आंकड़ा लिया गया था मान लो ये यथाप्राप्त आंकड़े के रूप में अगर इसे लिखना है तो पहले हम तेरह बार तीन लिखें फिर सत्रह बार सात लिखें ग्यारह तो बार नौ लिखें उन्नीस बार ग्यारह लिखें और बारह बार, बार चौदह लिखें तो पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा इतनी टेबल लिखने में इसको शॉर्ट में यथा प्राप्त आंकड़ों को थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए ये टेबल फॉर्म बनाई गई कि इसमें आराम से हम लिख सकते हैं कि तेरह बार तीन आ रहा है सत्रह बार सात आ रहा है ग्यारह बार नौ उन्नीस बार ग्यारह तो उन्नीस बार ग्यारह आ रहा है सबसे अधिक बार कौन आ रहा है ग्यारह आ रहा है कितने बार उन्नीस बार तो बहुलक क्या हो जाएगा सीधे ग्यारह कौन कौन सबसे ज्यादा बार आया है ग्यारह आया ना तो उन्नीस ग्यारह हमारे पास क्या हो गया बहुलक और यहां पर यह ना कंफ्यूज होना कि सर 19 यहां पर भी दिखा होता तो 11 को लेते कि 14 को कि 19 बार 14 भी आ रहा होता ऐसा केस नहीं होगा अपने सिलेबस में भी ऐसा नहीं कुछ है आपको एक ही बार मिलेगा उसके लिए ज्यादा कंफ्यूज ना होना ठीक है कि सर यहां पे अगर आ गया तो ऐसा कैसे होगा तो उसके लिए परेशान नहीं होना अब चलते हैं आगे अब आते हैं वर्गीकृत आंकड़े पर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला होता है वैसे इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझी लेते हैं

मतलब यहां पर कुछ वर्ग है और यहां पर हमारे पास क्या है एफ बार लिख लेते हैं सीधे ठीक इस बहुलक को निकालने में सबसे खास बात यह है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना पड़ता वर्ग एफ के बाद हमें ऐसा नहीं कि यक्ष निकालना है जैसे माध्य में तो बहुत सारी चीजें निकाल रहे थे माध्यक में भी माध्य के कंपैरिजन में कम होगी बहुलक में कुछ भी नहीं जो टेबल दी गई होगी उसी से आंसर आ जाएगा मान लो हमें यह क्वेश्चन में गिवेन होगा कि हमें दिया था कि दस से बीस बीस से तीस तीस से चालीस चालीस से पचास और पचास से साठ ये ऐसी कोई टेबल एक हमें दी हुई थी ठीक इसमें हमें एफ दिया हुआ था एफ क्या दिया होता हमें मान लो दिया था एफ पर सात यहाँ पर नौ यहाँ पर ग्यारह तेरह और फिर तीन ये हमारे पास एफ दिया हुआ था आपके पास वर्ग था आपके पास क्या थी आपके पास एफ था अब बहुलक निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ फिर चीजें क्लियर होंगी इस केस में आपके पास एक फार्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए मॉड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है वो होता है एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ माइनस एफ नॉट और माइनस का क्या होता है हमारे पास माइनस का होता है एफ टू और गुणे में एच ये हमारे पास फार्मूला होता है बहुलक निकालने का हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इन टू में एच अब कंफ्यूज नहीं होना है वही हमें स्टेबल से फाइंड करनी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है ऐसे ही निकाल लेंगे आराम से सबसे पहले तुम क्या देखोगे कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है किसकी बारंबारता तुम्हें सबसे अधिक दिख रही है तेरह की ये दिख रहा ना बारंबारता मतलब तेरह बार ये वर्ग अंतराल ज्यादा आया है मतलब चालीस से पचास के बीच की जो वैल्यू है वो तेरह बार आई है इसका मतलब क्या होता है यही तो होता है कि 10 से 20 के बीच की जो वैल्यू है वो सात बार आई है 20 से 30 के बीच की जो वैल्यू है वो नौ बार आई है 30 से 40 के बीच की कोई वैल्यू है वो ग्यारह बार आई है चालीस से पचास के बीच की वैल्यू तेरह बार आई है और पचास से साठ के बीच की वैल्यू तीन बार आई तो सबसे अधिक बार कौन आया तेरह बार कौन आया चालीस से पचास के बीच की वैल्यू इसे हम बोलते हैं सिंपल इसे हम क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग इसे हम क्या बोलेंगे बहुलक वर्ग जो सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती उस वर्ग अंतराल को ही बहुलक वर्ग अंतराल बोला जाता है जिसमें से जिसकी निम्न सीमा जो होती है, उसे हम l बोलते हैं लोवेस्ट हमारे पास लिमिट होती है l हमारे पास क्या होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहां पे जो l यूज किया गया है वो क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो छोटी वाली वैल्यू है तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसे हम l से डिनोट करते हैं और इसके सामने वाली जो हमारे पास ये बारंबारता है, इसको हम लिखते हैं एफ वन इसको हम लिख देते, देते हैं मतलब ना कि यहां से मैं 0, 1, 2, सीरियल में लेकिन जो इसके जस्ट सामने वाली उसको एफ वन ऊपर वाले को एफ नॉट नीचे वाले को एफ टू याद रखना याद रहेगा कोई दिक्कत तो नहीं एच हमारे पास होता है एच सर होता है वर्ग अंतराल

चौदह चौदह से छब्बीस से चौदह चले गए तो हमारे पास बचा बारह तो बारह ये बचेगा गुड़े में दस ठीक ये हो गया दो छंग बारह दो पंचे दस दो तीन छः इसको कर लेना भाई चालीस प्लस पाँच बटे तीन ये हो जाएगा चार तियाँ बारह एक सौ बीस प्लस पाँच बटे तीन मतलब एक सौ पच्चीस बटे तीन दैट्स योर आंसर बस इसको डिवाइड कर लेना आंसर है एक सौ पच्चीस बटे तीन इसका क्या आ जाएगा सिंपल बहुलक आ जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है किसी को कोई समस्या तो नहीं तीन चौको बारह इसको डिवाइड कर दें क्या तीन चौको बारह और फिर तीन एकम तीन बच्चा दो और तीछाक अठारह इकतालीस पॉइंट सिक्स सेवन करके कुछ आ जाएगा ठीक है ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा सारी बातें क्लियर यहां से आसान है बहुलक एकदम आसान है बस ये फार्मूला याद रखो आपसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा बस ये फार्मूला याद रखना ये फार्मूला ना बोलना

सबसे ज्यादा तुम्हें कौन दिख रहा है अठारह बार अठारह बार कौन सा अंतराल दिख रहा है चार हजार से बीच के पांच हजार ही हम सर बोलेंगे बहुलक बहुलक ये क्या है? ठीक ठीक ये चार हजार क्या हो गया सर एल सामने वाली वैल्यू क्या हो गई एफ वन ऊपर वाली एफ नॉट नीचे वाली एफ टू एच कितना है H बराबर सर, है. तीन से अंतराल कितना एक हजार का इसकी है, वही है जिसकी सबसे ज्यादा बारम्बार था वही बहुलक वर्ग अंतराल इसके ऊपर हमारे पास एफ नॉट इसके नीचे एफ टू और यह हमें पता है एल है इसकी सीमा बस इससे ज्यादा कुछ नहीं अच्छा किसी के दिमाग में ये आए कि सर अगर 18 ये ऊपर होता मान लो तो ये तो एफ वन हो जाता है लेकिन एफ नॉट हम कौन सी वैल्यू लेते हैं ऐसा कुछ आ रहा हो तो ऐसा केस नहीं आएगा उसके लिए बिल्कुल पढ़ के होना कि सर ये कभी जो वर् जो हमारे पास ये बहुलक वर्ग अंतराल होता है या ये ये वाली वैल्यू आए या ये वाली कभी नहीं आएगी ना ऊपर वाली आएगी ना नीचे वाली कि अगर नीचे केस हो गया तो एफ टू किसको लेंगे इसलिए कंफ्यूज ना होना अपने सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं कोई क्वेश्चन बनेगा आपके लिए क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी फॉर्मेट के आएंगे जहां पर एफ नॉट एफ वन एफ टू सब आराम से तुम्हें आहिस्ते से सामने दिख रहा होगा ठीक है उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कोई अब चलते हैं अपने डायरेक्टली क्वेश्चन पे फार्मूले पर फार्मूला सर हमारा ये कहता है कि बहुलक जो होता है ये होता है एल प्लस एफ नॉट ए एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू और गुड़े में होता है एच तो एल हमारे पास कितना है एल हमारे पास होती है महुल वर्ग की निम्नसीमा सर चार हजार है प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अठारह माइनस चार ये अठारह दूना छत्तीस माइनस एफ नॉट कितना है चार एफ टू कितना है नौ और एच कितना है एच हमारे पास इस बार बहुत ज्यादा है एक हजार ठीक बात क्लियर यहां से ठीक अब आ जाओ इसको कैलकुलेट करो ये हो जाएगा चार हजार प्लस का अठारह से चार चले गए चौदह और बटे में ये चौदह हजार कर लो इसको एक दो तीन जीरो लगा लो ठीक यहाँ छत्तीस से हमारे पास कितने चले गए तेरह नौ चार होता है हाँ तेरह तो छत्तीस से तेरह हमारे पास चले गए छत्तीस से तेरह चले गए तेईस तो ये बचेगा तेईस तेईस तेरह छत्तीस इसको बाई कैलकुलेट कर लेना यार बस अब नहीं कर रहे हैं मैं इसको मैं कर ही नहीं पाऊंगा अभी एच डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेना जो आंसर है वही आंसर है मतलब जो वैल्यू है वही आंसर है कोई दिक्कत नहीं इसको आराम से कैलकुलेट कर लेना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा चार हजार में इसमें तेईस से इसको भाग दे देना और उसके बाद जो है उसमें जोड़ देना आराम से आंसर आ जाएगा क्लियर तो बहुलक वर्ग पे मतलब बहुलक के जो क्वेश्चन है बस इसी फॉर्मेट के डायरेक्ट एक फार्मूला ये आपको पता है आकलन मैंने ये भी एक सिंपल का क्वेश्चन कर दिया इसके क्वेश्चंस आने नहीं बस आइडिया लग गया कि क्या है और ये हमारे पास इस प्रकार के सारे पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में ये भले पूछ दे माध्य भी निकालो माध्यक भी निकालो और बहुलक भी निकालो कर देता है कभी कभी बहुत जब लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो तीनों चीजें पूछ दे मतलब कि सेवन मार्क्स में या सिक्स मार्क्स में जो भी सबसे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसमें तीनों चीजें पूछ दे तो उस केस में हमें इसी क्वेश्चन में माध्य बहुलक और माध्यक तीनों निकालना होगा वो आपको पता ही है कि कैसे निकलता हो वर्गीकृत आंकड़ा दिया जाएगा आराम से आप सारी चीजें निकाल सकते हो एक एक करके आराम से निकाल लेना ठीक है बाकी क्वेश्चन सब इसी फॉर्मेट के मिलेंगे अब लास्ट टॉपिक अपना बचता है यहां से माध्यक माध्यक या माध्यिका ठीक इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक भी उस पे अच्छे-अच्छे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन सिंपल है आराम से सब चीजें समझ में आ जाएगा वैसे माध्यक के बारे में भी जानते हो सारे लोग माध्यक माध्यिका का मतलब सेम ही है उससे कोई कंफ्यूज ना होना स्टार्ट करते हैं फिर से वैसे ही चलते हैं हम टेंथ 10 से 9 से ही चलते हैं पहला प्रकार का आंकड़ा मतलब कि यथा प्राप्त जो हमारे पास आंकड़े होते हैं यथा प्राप्त आंकड़े इंडिविजुअल डाटा ठीक यथा प्राप्त आंकड़े में मान लो हमारे पास दो केस इसमें बनते हैं इसमें केस बनता है सम और विषम संख्याओं का कि जो आंकड़ों की संख्या दी गई है वह सम है या विषम है ठीक वैसे यथा प्राप्त आंकड़े में फार्मूला नहीं भी लगाओ सम विषम वाला तो भी आंसर आ जाता है लेकिन अवर्गीकृत और वर्गीकृत तो वर्गी में हमें फार्मूले में लगाना पड़ेगा सम और विषम वाला फार्मूला तो मैं सोच रहा हूं कि वहीं पर ही बता देता हूं दूसरा है हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े दोनों का मतलब समझ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इसमें क्या होगा यथा प्राप्त आंकड़ा है मान लो पहला क्वेश्चन हमने लिखा हमारे पास क्वेश्चन था तीन नौ सात ग्यारह इलेवन ठीक दूसरा है हमारे पास तीन तीन छ सात इसमें जो संख्याएं हैं वो विषम है ठीक अब मान लो एक सम संख्याओं का केस है मतलब संख्याओं का मतलब समझो मतलब आंकड़ों की जो संख्याएं जो हैं जो प्रेक्षण लिए गए हैं

मैं विदाउट फार्मूला यही बता देता हूँ उससे कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है जब भी माध्यक निकालना है इस प्रकार के आंकड़े में तुम्हें पता भी होगा वैसे कि आप सबको एक ही क्रम में लिख दो मतलब छोटे से बड़े में लिख लो चाहे बड़े से छोटे में लिख लो सब लोग उसी क्रम में लिखते हैं तो छोटे से बड़े क्रम में लिख लेते हैं इसको एक क्रम में लगा दे चाहे छोटे से बड़े के क्रम में लिख लेना चाहे बड़े से छोटे में लिख लेना चाहे आरोही में लिख लो चाहे अवरोही में लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो छोटे से बड़े के क्रम में लिख लेते हैं मान लो सबसे पहले क्या आएगा जीरो फिर हमारे पास क्या आएगा दो फिर तीन फिर हमारे पास सात फिर नौ तीन तीन छह एक साथ ग्यारह दो बार रिपीट हो रहा है इसको ऐसा करो एक कुछ और ले लो वैसे क्या रिपीट हो सकता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं मान लो यहां पर हमने तेरह लिख लिया जीरो दो तीन सात नौ और फिर आया ग्यारह और फिर आया तेरह ठीक तो तीन और तीन छह और एक साथ इसमें कुछ नहीं करना है जो विषम है जो जो बीच की वैल्यू है वही माध्यक है जो बीच की वैल्यू है वही माध्यक है तो तीन और तीन छ मतलब कि ये माध्यक है साथ हमारे पास डायरेक्टली माध्यक या माध्यिका है यहां माध्य कितना है सात ठीक कोई दिक्कत नहीं इसी में फार्मूला भी होता है फार्मूले का मतलब क्या होता है दो केस जब बनते हैं देखो बात समझो दो केस जब बनते हैं मान लो ये हमारे पास एन जो है एक दो तीन चार पाँच छत था एन हमारे पास जब मान लो विषम है जब एन आपके पास विषम है विषम मतलब कि पे प्रेक्षण जो है वो विषम है तो फार्मूला हमारे पास होता है माध्यक का एम बराबर माध्यक का हम फार्मूला लिखते हैं एन बाई टू वापद विषम के लिए तो एन प्लस वन बाई टू वहां पद हो जाएगा डायरेक्टली विषम है तो कोई दिक्कत नहीं यहां से हो जाता है एन प्लस वन बाई टू वहां पद अगर ये विषम है तो डायरेक्टली हमारे पास फार्मूला जो होता है वो यही होता है एम बराबर एन प्लस वन बाई टू वहां पद वही आप यहां पर भी लगा सकते थे आपको पता था कि तीन तीन छह एक सात पद थे आप लिखते हैं यहाँ की एन की जगह सात सात और एक आठ बटे दो मतलब कि चौथा पद तो चौथा पद कौन सा है एक दो तीन चार वही सात है या फिर आप सीधे बीच वाला पद लिख दो कोई दिक्कत की बात नहीं अब अगर सम है संख्याएं सम संख्याओं में क्या होता है अब यहां पर क्या है इसको जब तुम आप लिखते हो छोटे से बड़े के क्रम में तो क्या आएगा जीरो पहले छोटे से क्रम बड़े के क्रम में तो लिखना ही है जीरो से तीन फिर चार फिर पांच फिर ग्यारह फिर तेरह अब यहां पर समस्या ये क्रिएट हो रही है सर इधर दो यहां पर बीच में संख्याएं आ रही चार और पांच दो बीच में संख्याएं आ रही है मतलब दो बीच में ऐसी संख्याएं जो इनके मध्य में तो मध्य की संख्याएं दो जब आती है तो आप इनका क्या करते हो औसत ले लेते हो कि चार प्लस पांच बटे दो मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा नौ बटे दो तो नौ बटे दो का मतलब क्या हो गया सर यहां से हो जाएगा इन दोनों का आधा तो चार और पांच नौ बटे तो तो दो मतलब कि हमारे पास आ गया चार दशमलव पांच तो इस केस में माध्यक क्या आता है चार दशमलव पांच आ गया तो जब ऐसा होगा कि दो है तो उनका औसत ले लो ठीक दोनों का औसत ले लो दोनों का वैल्यू लेके और बटे दो से डिवाइड कर दो सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा फार्मूला क्या होता है इसी केस पे फार्मूला भी लिखते हैं कि अगर एन जो है हमारे पास वो सम है तो इस केस में फार्मूला हमारे पास होता है एम बराबर एन बाई टू वापद प्लस एन बाई टू प्लस वन वापद और बटे का होता है हमारे पास दो ये हमारे पास फार्मूला होता है जब n बराबर सम है एक है हमारे पास n बराबर सम के लिए ए विषम के लिए एक है हमारे पास n बराबर विषम के लिए n बाई टू वहां पद n बाई टू प्लस वन वहां पद बटे टू एन यहां पर मान लो छह था तो छह बटे दो तीसरा पद और छह एन बटे दो करोगे तो तीसरा और एक चौथा तो तीसरा और चौथा पद बटे तो यहां से देखो एक दो तीसरा पद चौर और चौथा पद और बटे में दो चार पांच नौ तो चार, 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 पांच वही आंसर आएगा इससे करो चाहे इससे करो चाहे मतलब डायरेक्टली लिख लो जब यथे हो लेकिन जब होंगे तो फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो सामने स्पष्ट दिख रहा है वहां पर स्पष्ट दिखता नहीं है ठीक है दोनों केसों की बात क्लियर है ना कि यहां पर दो फार्मूले होते हैं हमारे पास एक एन बराबर विषम के लिए ये सम बराबर सम के लिए ये और यहां पर आवर्गीकृत आंकड़े में कैसे निकालेंगे अच्छा आंकड़ों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा फिर चलेंगे वर्गीकृत करने हमें वर्गीकृत के अब अगर वर्गीकृत आंकड़ों की हम बात करें तीसरे अरे आवर्गीकृत के अभी आ के तो लिखा ही है ना फार्मूला इसका एग्जाम्पल नहीं किया एग्जाम्पल करें आप का अवर्गीकृत का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना होता है देखो अब इसमें हम क्या करते हैं मान लो हमने एक ले लिया यहाँ पर x हमें पता है आवर्गीप्रत की बात कर रहे हैं f तो पता है ठीक x और f हमें पता है x मान लो तुम्हें दिया गया है यहाँ पर है तेरह सत्रह ग्यारह नौ और आठ ये हमें दिया गया है f x में ठीक और f हमें जो दिया गया है बारम्बार था वो हमारे पास है सात तीन नौ एक और यहाँ पर छः ये हमारे पास पता है x और f तुम्हें पता है इस केस में हमें क्या करना पड़ता है जब भी हमें माध्यक निकालना होता है हमें जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता cf cf से लिखते हैं क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है cf मतलब होता है संचयी बारंबारता ठीक ये होती है संचयी बारंबारता इसको निकालते कैसे हैं संचयी बारंबारता की अगर हम बात करें इसको हम फाइंड कैसे करते हैं तो आप ध्यान से समझो जैसे ये लिखा है तो फिर इसमें आगे वाली संख्या जोड़ते दो तीन, दस, दस और नौ, उन्नीस, उन्नीस और एक, बीस, बीस और तो ये ऐसे सी एफ निकलता है कैसे पहले इसको लिख दिया फिर इसमें आगे ले जोड़ के लिख दी फिर इसमें ये जोड़ के लिख दी इसमें ये जोड़ के लिख दी इसमें ये जोड़ के लिख दी और यही हमारे पास क्या होती है बारंबारताओं का योग होता है सिग्मा एफ लिखो चाहे सिग्मा लिखो दोनों बातों का मतलब इसी को हम सिग्मा एन भी बोलते हैं कै, कै, सिग्मा कैपिटल एफ लिखो वो बारंबारताओं का योग होती है वही छब्बीस ही आएगा चाहे इसको जोड़कर देख लो तो लास्ट में ने लिखा है वो छब्बीस ही आएगा ठीक अब यहां पर छब्बीस कैसी संख्या है एन बराबर क्या है सर ये फार्मूला है जब सम केस होता है कि एन बाई और प्लस का एन बाई टू प्लस वन यही होता है और बटे में दो होता है अब यहां पर अगर तुम एन का मान रखोगे छब्बीस है तो यह हो जाएगा तेरवा पद और ये हमारे पास हो जाएगा तेरह और एक चौदवा पद और बटे का क्या आ जाएगा दो समस्या यहां पर क्रिएट होगी कि तुम तेरवा पद और चौदवा पद निकालोगे क्यों कैसे एन तो तुम्हें मिल गया था छब्बीस इससे पता चल गया कि तेरहवां पद और चौदहवा पद का जो योग है और बटे में दो है वही जो मान होगा वही हमारे पास इसका माध्यक होगा ठीक समस्या यहां पर है कि पर निकले कैसे उसके लिए तुम्हें देखना है क्या, तो क्या आ जाएगा? सर, तेरा. अब तुम यहां पे एन बाई टू जब निकालोगे एन का जब आधा किया तो तेरह और इसके अलावा चौदह तो तेरह और चौदह तुम्हें मिलेगा का? तो सबसे पहले तेरह देख लो कहां मिलेगा सीएफ में देखो तुम्हें तेरह कहां मिलेगा यहां तक की कितनी दस तक की वैल्यू है दस के बाद उन्नीस मतलब जो यहां पर आया है एन बाई टू की जो वैल्यू आई है उसके बराबर या जस्ट ज्यादा वाली जो वैल्यू है वहीं पर तुम्हें तेरा मिलेगा तो दस के पास तो तेरा मिलेगा नहीं लेकिन उन्नीस से पहले आता है तेरा तो उन्नीस कैसी वैल्यू है जिसके अंदर तेरह भी आ जाएगा और चौदह भी आ जाएगा दस में तो आएगा नहीं उन्नीस के पास आ जाएगा तेरा भी आ जाएगा और चौदह भी आ जाएगा तो उन्नीस हमारे पास क्या हो जाएगा उन्नीस के सामने वाली जो हमारे पास एक्स होता है उन्नीस के सामने वाला जो एक्स होगा वही तेरहवा पद होगा और वही हमारे पास चौदवा पद होगा कैसे क्योंकि सर उन्नीस के पास हमें क्या मिल जाएगा तेरह भी मिल जाएगा और चौदह आप सबसे पहले ये देखो कि यहां पर जो आया है उससे बराबर या उससे जस्ट अधिक वाली वैल्यू कौन सी है सी में तो तेरह से जस्ट बराबर या अधिक वाली वैल्यू उन्नीस है तेरह से अधिक है तेरह से ज्यादा है तो इसके सामने वाली जो हमारे पास एक्स का मान होगा वही हमारे पास क्या होता है वही हमारे पास उसकी वही हमारे पास बेसिकली पद होता है तो तेरवा पद हमें कहा मिल जाएगा तेरवा पद हमें कौन सा मिलेगा ग्यारह तो एम बराबर यहां से लिखोगे ग्यारह और चौदवा पद भी ग्यारह होगा ये भी ग्यारह बटे दो तो ग्यारह और ग्यारह हो गया हमारे पास बाइस बटे दो मतलब कि ग्यारह ही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका माध्यक हो जाएगा राइट इस तरीके से जब हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो निकालते हैं अवर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों में इस प्रकार का केस बनता है CF हम ऐसे निकालते हैं ठीक है सब लोग समझ गए ना तेरह और चौदह एन बाई टू से निकला तेरा ये हमारे पास यहां आया तेरा फिर हमने कैसे देखा सी एफ में जाके देखा कि उन्नीस के पास हमें तेरा मिलेगा क्यों देखो बीस मतलब देखो तो ये उन्नीस के पास उन्नीस हमारे पास पहले इससे जस्ट अधिक वाली वैल्यू देखो ना इसके जस्ट ज्यादा वाली वैल्यू तो तेरह से ज्यादा वाली वैल्यू उन्नीस है ना दस तो छोटी है या बराबर भी आ सकती है तो उन्नीस हमारे पास आ जाएगा ठीक है ये बात क्लियर सभी को तो उन्नीस के सामने वाला जो हमारे पास एक्स होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इसकी माध्यक हो जाएगा अब यहां पर क्या है अगर हम वर्गीकृत अब जो हमारे जो हम लोगों को करना है सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़ों की बात करें वर्गीकृत आंकड़े ठीक थर्ड टाइप वर्गीकृत आंकड़ों की अगर हम लोग बात कर ले इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैं पहले फार्मूला लिखता हूं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग से एक फार्मूला है सीएफ तो निकालना ही है लेकिन उसके लिए हमें एन की भी जो ये ये वाला फार्मूला तो जरूरत पड़ेगा ही साथ में और साथ में हमारे पास जो माध्यक निकालने का फार्मूला है एम बराबर वो हमारे पास ये है एम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ बटे का एफ और गुणे में एच ये फार्मूला है हमारे पास फार्मूले से बिल्कुल नहीं डरना अभी सब चीजें समझ में आ जाएगी एल तुम्हें पता होता है क्या होती है निम्न सीमा होती है एफ बारंबारता है एफ हमारे पास संचयी बारंबारता है अभी सब चीज समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो स्पष्ट सम... हो जाएगा एच वर्ग अंतराल है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करता हूं उससे क्लियरिटी मिलेगी ये सब चीजें हमारे पास फार्मूला एक बार इसको दिमाग में डालो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ एच क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मेट का है हमारे पास जैसे अब वर्ग अंतराल के रूप में हमें दिया गया और कह रहा है इस कक्षा में विद्यार्थियों का माध्यक भार निकाल, माध्यम भारना है तो माध्यक निकालना है जो पहले टेबल दी गई इसको टेबल को पहले हम लिख लेते हैं मान लो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है मैं सीधे वर्ग लिखता हूं और ये हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या बारंबार दी गई है ठीक एफ में क्या दिया गया है चालीस से पैतालीस पैतालीस से पचास पचास से पचपन पचपन से सात साठ से पैसठ पैसठ से सत्तर और सत्तर से पचहत्तर तक गए सत्तर से पचहत्तर ठीक एफ हमारे पास क्या है एफ लिख लेते हैं दो तीन आठ छ तीन और दो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है इसमें सी एफ जब भी माध्यक का केस आएगा आप क्या निकालोगे सी एफ संचय बारम्बारी एफ ही निकालना है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा निकालना है. इसमें सिर्फ एक कालम बनेगा सी एफ का बोलक में कुछ भी नहीं बनता है इसमें एक कालम बनता है माध्यक के लिए तुम्हें तो सब चीजें निकालनी पड़ती है पहले हमें एक्स निकालते हैं एफ होता है तो एफ इन टू एक्स कभी निकालना पड़ता है कभी डी निकालना पड़ता है कभी यू निकालना पड़ता है ठीक उसमें सारे केस बनते हैं सी एफ में हमारे पास क्या होता है ये तो दो इसमें जोड़ते जाओ दो तीन पाँच आठ पांच तेरह तेरह छीस उन्नीस छ पच्चीस पच्चीस और तीन अट्ठाईस अट्ठाईस और दो तीस तो ये हमारे पास आ गया एक प्रकार से सिग्मा एन बोलो चाहे सिग्मा एफ बोलो ये तीस आ गया तीस कैसी संख्या है सम संख्या यहां पे मैं लिखता हूं एन बराबर हमारे पास आया तीस जो कि है एक सम संख्या सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा एन बाई टू एन बाई टू क्या होगा तीस बटे दो मतलब कि आ जाएगा पंद्रह ठीक क्या जाएगा? आ जाएगा पंद्रह निकल के आ जाएगा अब तुम क्या देखोगे यहां पर अब यहां पे फार्मूला तुम्हारे पास है माध्यक का क्या फार्मूला होता है सर माध्यक का यहां पर डायरेक्टली माध्यक का फार्मूला होता है अब यहां पर हम वो चीज नहीं लगा सकते कि सर यहां पे n बराबर पंद्रह आया या या ये वाला फार्मूला लगा दे क्योंकि यहां पर फंस जाएगा मान लो कि अगर हम ये फार्मूला लगा दें बात समझो कि एन बाई टू व पद और एन बाई टू प्लस वन वा पद तो यह तेरहवा पद और ऐसे चौदह पद बनेगा ऐसे यहां पर अगर हम लगाएंगे तो पंद्रवा पद और सोलवा पद मिलेगा अब पंद्रह सोलह इधर तो तुम यहां ढूंढ लोगे कि उन्नीस में लेकिन तुम उसके लिए वर्ग अंतराल कौन सा लोगे मतलब कौन सी वैल्यू यहां पर पचास पचपन से साठ के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है वो नहीं बता सकते ना कि एक्स कौन सा मतलब माध्यक क्या आएगा माध्यक उस केस में ऐसे नहीं निकलेगा उसके हमारे पास फार्मूला जो हमने लिखा ये काम आएगा माध्यक बराबर सर फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ बटे का एफ इन टू का एच ये फार्मूला होता है सबसे पहले एन बाई टू ने टू निकाला तो ये आया पंद्रह पंद्रह कहां मिलेगा वैसे ही चलते हैं कहां मिलेगा इस उन्नीस के पास अरे पंद्रह से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू या इक्वल तो 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 छोटी है 19 के 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 पास पास मिलेगा ना हमें तो हमें क्या मिला ये हमें 15 मिल गया तो 19 के जो सामने वाला जो हमारे पास जस्ट वर्ग अंतराल है यही हमारे पास क्या कहलाता है ये हमारे पास कहलाता है माध्यिका वर्ग अंतराल या माध्यक वर्ग अंतराल क्योंकि जैसे हमने बहुलक वर्ग अंतराल निकाला था इसे हम बोलते हैं माध्यिका वर्ग अंतराल ठीक ये हमारे पास माध्यिका तो यहां पर l बराबर डायरेक्ट मिल गया कि l बराबर पचपन इसकी जो बारंबारता होती है वो है, f होती है ये हमारे पास f है दिक्कत खड़ा करता है सी एफ देखो एन बाई टू तुम्हें मिल चुका है एल मिल चुका है जो निम्न सीमा है एच तुम्हें पता है कि वर्ग अंतराल होता है एच बराबर वर्ग अंतराल कितना है पांच का चालीस से पैंतालीस पैंतालीस से पचास वर्ग अंतराल पांच का सीएफ तुम्हें नहीं मिला अभी एफ मिल चुका है एफ तुम्हें क्या मिला ये 6 सीएफ उन्नीस ना ले लेना क्योंकि तुम्हें लगा कि सर पंद्रह से हमने सीएफ में देखा उन्नीस हमारे पास सीएफ मिला था तो नहीं सीएफ जो इस केस में फार्मूले में तुम रखोगे तो माध्यिका वर्ग का जो हमारे पास जस्ट ऊपर वाला अंतराल है इसमें जो सीएफ है तो सीएफ यहां पर क्या होगा 13 ये हमारे पास सीएफ है ये याद रखना कि सीएफ का केस थोड़ा उल्टा होता है कि सीएफ जो होगा हमारे पास इसी लाइन में नहीं मिलेगा इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में जो हमारे पास माध्यिका वर्ग का जो अंतराल के साथ लाइन में जो सीएफ होगा तो हो 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 बस अब वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा एल हमारे पास क्या है पचपन प्लस एन बाई टू मतलब पंद्रह आ गया सी एफ हमारे पास है तेरा एफ हमारे पास कितना है एफ कितना है पांच ये आ जाएगा पचपन प्लस पंद्रह से तेरह मतलब कि दो दो बटे छः मतलब दो तीया गुणे पाँच मतलब कि पाँच बटे तीन ये हमारे पास आ गया पाँच बटे तीन तो पचपन प्लस तीन से इसको द, भाग दे दो तीन एकम तीन बचेगा दो तीन तरिका नौ बचेगा नहीं तीन तक नौ तीन छा का अठारह वो फाइव पॉइंट सिक्स सेवन तो ये आ जाएगा छप्पन पॉइंट सिक्स सेवन आ जाएगा ये हमारे पास आ गई माध्यिका या माध्यक तो माध्यिका हमारे पास क्या आ गई छप्पन हो जाएगा एक चीज याद रखना आंसर मैच करने के लिए जो तुम्हारी जैसे छप्पन पॉइंट सिक्स सेवन आई है तो जो माध्यिका आएगी वो हमेशा उसी अंतराल में आएगी जिसको तुमने माध्यक वर्ग अंतराल माना है मतलब पचपन से साठ के बीच की ही वैल्यू आएगी जब भी तुम ऐसा आंसर निकालोगे माध्यिका वर्ग अंतराल के बीच का मान ही हमारे पास जो होगा वही माध्यिका होगा तो माध्यिका वर्ग अंतराल हमारे पास पचपन से साठ थी वैल्यू क्या छप्पन दशमलव इसी के बीच की वैल्यू है तो माध्यिका हमेशा साई वैल्यू आएगी जिसको तुम माध्यिका वर्ग अंतराल मान मारो उसी के बीच की वैल्यू होगी कहीं और की वैल्यू नहीं होगी इससे आप आंसर मैच कर सकते हो याद रखना हमारे पास निम्न सीमा हम निकाल ही लेते हैं जो एन आता है सी एफ हमारे पास ऊपर वाली बारम्बार जो हमारे पास माध्यिका वर्ग अंतराल है इससे जस्ट ऊपर वाला जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उसका सी एफ लेते हैं नीचे हमारे पास एफ वो ही सीधे सामने वाली कोई दिक्कत नहीं वैल्यू रखो आंसर पाओ एक तो ये सिंपल केस हो गया इस पर दो केस के क्वेश्चन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस प्रकार का दो तीन क्वेश्चन दिए गए एक एग्जाम्पल सातवा है इसका एक क्वेश्चन बच्चा एक ये एक ये और करना है दो क्वेश्चन और करेंगे फिर अपने सारा कॉन्सेप्ट हर टाइप के क्वेश्चन में करा दिया हूं इससे बाहर से कुछ भी नहीं बनने वाला मैंने मतलब एक ही लेक्चर में वो सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं जिससे मतलब कि तुम पूरी एक्सरसाइज लगा सकते हो चाहे वो एटीन पॉइंट वन हो टू हो चाहे थ्री हो सारी एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन लगा सकते हो किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा अगर आपने पूरा ये मन से वर्ग देखा हुआ है वन शॉट कि कैसे क्या हो रहा है किसी क्वेश्चन में फसोगे नहीं तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आंसर पाना ठीक है अब चलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में समस्या यहाँ पर क्या क्रिएट होती है इसमें वर्ग अंतराल में डिफाइन नहीं दिया है इसमें दिया 140 से कम 145 से कम 155 से कम 155 से कम 160 से कम 165 से कम मतलब कुछ

लड़कियों की जब ऊंचाई नापी गई लंबाई नापी गई तो 140 सेंटीमीटर से कम एक सेंटीमीटर में ना 140 सेंटीमीटर से कम की जो लड़कियां हैं उनकी संख्या चार थी 145 से कम जो लड़कियां थी उनकी ग्यारह थी 150 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कम जो लड़कियों की लंबाई थी वो उनतीस थी 155 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाली जो लड़कियां थी वो चालीस एक से छियालीस एक से इक्यावन थी कुछ ऐसा केस है ऐसे समझो तुम स्केल मान लो ये बनाया मैं ये मैंने एक स्केल बनाया स्केल में मान लो ये तो हमारे पास हो गया कि ये यहाँ से हम चले जीरो से एक सौ चालीस तक ठीक फिर हम आ गए एक सौ पैंतालीस पर ये स्केल हम बना रहे हैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक सौ पचास फिर हमारे पास है एक सौ पचपन फिर हमारे पास है एक सौ साठ और फिर हमारे पास एक सौ पैंसठ बस एक सौ पैंसठ से कम तक जाना है एक सौ चालीस से जो कम सेंटीमीटर एक सौ चालीस सेंटीमीटर से कम लंबाई वाली जो लड़कियां उनकी संख्या चार है मतलब जीरो से एक सौ चालीस के बीच में जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है चार है इतनी चार लड़कियां फिर कहा इसने एक सौ पैंतालीस से कम तो 145 से कम जो हमारे पास लंबाई वाली लड़कियां हैं वो 11 हैं 145 से कम तो पूरी लेंगे 145 से कम मतलब कि यहां से यहां तक की बात कर रहा है वो जीरो से 145 मतलब 145 से कम ये नहीं बताया ना कि कहां तक 145 से कम मतलब 145 से छोटी वो 135 में भी हो सकती है 130 की भी हो सकती है 120 की भी हो सकती है 140 से कम वाली चार थी 145 से कम वाली ग्यारह थी ऐसे ही तुम्हारे पास एक के बाद एक से कम एक से कम वाली उनतीस है तो एक से जो कम वाली है हमारे पास ये ये हमारे पास कितनी है ये सर उन्तीस है 150 से कम है सिंपल 150 सेंटीमीटर से लंबाई कम है वो 145 भी हो सकती है 140 भी हो सकती है 142 भी हो सकती है एक भी हो सकती है 150 सेंटीमीटर से कम वाली जो लड़कियों की संख्या है वो उन्तीस है फिर 155 से कम वाली 40 है मतलब यहां से 155 से जो कम वाली है वो हमारे पास कितनी है वो हमारे पास चालीस है ऐसे एक से कम वाली हमारे पास कितनी है एक से कम वाली हमारे पास छियालीस है ये फोर्टी है और अंत में हमारे पास बस्ती है जो एक से हमारे पास कम वाली है तो जीरो से एक सौ वाली हमारे पास इक्यावन है अब बात समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं हम वर्ग अंतराल डिफाइन कर रहे हैं कैसे कि आपको यह पता है कि 140 से छोटी वाली चार है और 145 से जो पूरी छोटी है वो ग्यारह है तो 140 से 145 के बीच के आप वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि इधर पता है 140 से कम चार 145 से कम ग्यारह तो मतलब कि जो 140 से बड़ी और 145 से छोटी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी ग्यारह से चार कम कर दो सात कितनी हो जाएंगे सात तो यहां से ग्यारह से चार कम किए तो ये कितनी हो जाएंगी जाएंगे इस अंतराल में तुम्हारे पास चार थी इस अंतराल में सात ऐसे 150 से 145 वाली कम कर दोगे तो इस 145 से 150 के बीच वाली लंबाई मिल जाएगी तुम्हें कि 150 से 145 के बीच में लंबाइयां है कितनी हैं 150 तक जो थी वो 29 थी 145 तक थी जो 11 थी तो 145 से 150 के बीच में कितनी हो जाएगी 29 माइनस ग्यारह तो 9 में से एक गए 8 2 में से एक गया 18 बात समझ में आई कैसे निकाल लें क्लियर हुआ हमें पूरी लंबाई दी गई थी कि 140 से कम इतनी है 145 से कम इतनी एक सौ वाली वाली इतनी है, इतनी है. अगर हमें देखना है, समझना है, तो समझ सकते हैं कि एक सौ चालीस से कम वाली चार है, 145 से कम वाली है टोटल दी है इसने ऐसा नहीं कुछ बोला कि 140 सौ चालीस के बीच में ग्यारह 145 से कम बोला तो मतलब इससे पूरी कम तो 140 से 145 के बीच में कितनी रही होंगी जब 140 तक चार है तो ये सात होंगी तभी तो टोटल हुई ठीक ऐसे ये अठारह अब एक सौ चालीस से एक के बीच में तो हमें पता है कि एक, एक से ये हमारे पास है चालीस इतनी हमारे यहां तक हो गई तो चालीस से उनतीस कम कर देंगे तो चालीस से उन्तीस कम कर दो तो कितना आ जाएगा जाएगा ये हमारे पास हो तीस और दस ग्यारह मतलब कि ये हमारे पास कितनी है ग्यारह ऐसे एक सौ साठ से हमारे पास कितने कम कर दो छियालीस से हमारे पास कितनी कम कर दोगे चालीस तो हमारे पास ये है छह इक्यावन से छियालीस कम कर दो ये कितनी आ जाएगी पांच ये हमने एक प्रकार से अंतराल निकाल लिया बात समझ गए कि टोटल हमारे पास इक्यावन थी, थी और से सौ साठ से कम वाली ये तो सी हर क्वेश्चन में मैं ऐसे नहीं करना होगा बस इसको हम डिटेल में क्वेश्चन समझाना चाह रहे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है अब इसका हम वर्ग अंतराल लिखते हैं समझना वर्ग अंतराल में लिखा रहा हूं पहला तो है हमारे पास एक से कम है कितना एक से कम तो 140 से कम वाले को तो ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि हमें उसमें कम में नहीं पता कि कितना पीछे जाना है लेकिन दूसरा वर्ग अंतराल हम बना सकते हैं कैसे कि सर 140 के बाद 140 से 145 क्योंकि तो 145 140 से 145 के बीच में हमने क्या निकाल ली हमने सर इसमें लड़कियों की लंबाई निकाल ली कि कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो 140 से 145 के बीच में एक सौ से 150 के बीच में 150 से 155 के बीच में से 155 से 160 के बीच में तो यहां से क्या हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 150 से 155 सौ ये हो जाएगा 155 से 160 और लास्ट में हो जाएगा 160 से 165 ठीक अब 165 से 170 तो जाएगा नहीं क्योंकि 165 से कम तक जाना था हमें अब यहाँ पर देखो 100 से 140 के बीच में कितनी लड़कियां चार 140 से 140 से 145 के बीच में सात 150 से 155 के बीच में अठारह 150 से 160 के बीच में कहा गया एक बीच में छोड़ दिया हमने फिर से लिख देते भाई 145 से 150, 150 से 155, 155 से 165, 160 और फिर 160 से 165. ठीक 150 से 155 कितनी है भाई 11, 150 से 160 हमारे पास है छह ये पांच अब बात समझना क्या समझाना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हैं ठीक सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो पूरी सांख्यिकी में जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है उनमें ये आता है अब समझ गए ना ये बात कैसे कि हमें पूरी लंबाई दी गई थी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इंपॉर्टेंट है पूरी लंबाई हमारे पास एक सौ हमें पैंसठ तक के अंतराल दिए गए थे कि जीरो से एक सौ पैंतालीस एक सौ चालीस पैंतालीस लेकिन हमें एक डिफाइन नहीं था इसको हमने डिफाइन किया कैसे कि हमने पता किया कि इतने बीच में कितनी होंगी इतने क्योंकि अभी तक जो हमें ये जैसे अंतराल दिया जाता था इसका मतलब क्या होता था कि चालीस से पैंतालीस किलोग्राम का जो भार है उसमें दो विद्यार्थी आते हैं दो विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 से 45 के बीच में अब इसी में ये कह देता कि 45 से कम 50 से कम तो हम ये कैसे पता करते कि 45 से 50 के बीच में कौन से हैं, 50 से 55 के बीच में कौन से इसमें तो इसने बता रखा कि 50 के 55 बीच में आठ ही हैं। अब ये लिख देता कि 55 से कम जो हमारे पास है वो आठ है तो हमें ये वाले हटाने पड़ते ना कि जो 45 से 50 के बीच में चालीस एक डिफाइन हमें सेट बनाना पड़ता ना तो इसी केस में हमने ये किया कि हमने यहां पर हमने एक ऐसे समझा कि 140 से 145 के बीच में कितने होंगे अगर हम टोटल से 145 वाले से 140 वाले हटा दें तो बीच वाले मिल जाएंगे एक सौ से एक वाले वो हमने निकाल ली वो हमने लिख लिया तो सर ये क्या दिया होता है ये बारंबारता नहीं होती है ये क्या दिया होता है ये हमेशा यहां पर जब इस प्रकार का कम ज्यादा होता है तो ये सी दिया होता है संचयी बारंबारता हमें हमेशा दी होती है देखो कैसे अब आप देखो समझ जाएगा अभी कैसे अब तुम देखो यहां पे सीएफ निकालोगे अब तुम्हें तो छह क्या हो गया इसकी बारंबारता हो गई अब सी एफ तुम अगर निकालते हो तो क्या लिखते हो चार सात चार ग्यारह अठारह और ग्यारह कितना हो जाएगा अठारह ग्यारह आठ एक नौ उन्तीस उन्तीस और ग्यारह हमारे पास हो जाएगा चालीस और ग्यारह चालीस छह छियालीस

चालीस से उनतीस घटाओगे ग्यारह छियालीस से चालीस घटाओगे छः इक्यावन से छियालीस घटाओगे पाँच तो ये आप बाद वाली से पहली वाली को घटाते चलो ऐसे आप घटाते जब चलोगे इससे इसको घटाओगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये हमारे पास बारंबारता निकल आएगी आपको ऐसे नहीं करना है मतलब ये टेबल मैं समझाने के लिए बता रहा था कि ऐसा कुछ केस चल रहा है बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है बाकी आप याद रखना ठीक इसका हमें करना कुछ नहीं इसको हमें बनाना भी नहीं एग्जाम में बस हमें यह याद रखना है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा से कम या से अधिक वाले तो उस केस में जो हमारे पास ये दिया होता है ये सी एफ होता है संचयी बारंबारता होती है ठीक और संचयी बारंबारता जब दियो तो तुम्हें एफ बारंबारता कैसे निकालनी होगी क्योंकि बारंबारता की जरूरत पड़ेगी वो आप इससे इसको घटाते जाओ जैसे बारम्बार जब हम संचयी बारंबारता निकालते थे तो इसमें आगे वाले को जोड़ते जाते थे इसमें क्या करो इससे ग्यारह से चार घटाया उनतीस से ग्यारह चालीस से उनतीस छियालीस से चालीस इक्यावन से छियालीस तो इस प्रकार से तुम्हें बारंबारता एफ मिल जाएगी बाकी काम फिर सेम हो गए इस प्रकार का आंकड़ा तुम बना लोगे फिर जो अभी यहां किया वही करेंगे अब देखो तुम क्या निकालोगे सिग्मा एफ सिग्मा एफ यही होगा जो हमारे पास लास्ट में लिखा है इक्यावन यहां से आपने क्या किया सिग्मा एफ का मतलब एन एन बाई टू मतलब निकालोगे एन हमारे पास क्या आया था इक्यावन तो एन बाई टू क्या हो जाएगा इक्यावन बटे दो मतलब क्या हो जाएगा पच्चीस दशमलव पांच ये पच्चीस दशमलव पांच तुम्हें कहां मिलेगा उसके लिए सबसे बात सबसे इंपॉर्टेंट बात पच्चीस दशमलव पांच कहां मिलेगा उनतीस के पास इसी के पास तो मिलेगा अरे पच्चीस दशमलव पांच से जस्ट बड़ी या इक्वल वाली वैल्यू कहां मिलेगी उनतीस के पास ग्यारह तो छोटी है 29 के पास ही आएगा ना तो इसके जस्ट सामने वाला जो हमारे पास ये अंतराल होता है इसे हम माध्यिका वर्ग अंतराल कहते हैं समझ गए और ये जो हमारे पास होगा ये एफ होगा ये जो होगा हमारे पास सी एफ होगा ये याद रखना कि इसके ऊपर वाला जस्ट सी एफ होता है ये तो एफ होगा ये हमारे पास एल हो जाएगा ठीक ये हमारे पास एल सभी की वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा फार्मूला क्या होता है लिख देता हूं इधर m बराबर फार्मूला होता है l प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ बटे में h वैल्यू रख दो m बराबर l हमारे पास कितना वर्ग की निम्न सीमा 145 145 प्लस n बाई टू एन बाई टू हमारे पास आया था पच्चीस दशमलव पांच माइनस का सी एफ सी एफ हमारे पास कितना है ग्यारह f हमारे पास कितना है f बाई अठारह और h हमारे पास है वर्ग अंतराल एच कितना हाँ है यहां पर वर्ग अंतराल है पांच का पांच इंटू में पांच इसको कैलकुलेट कर लेना भाई मैं नहीं कर रहा यह कैलकुलेट कर लेना आंसर हो जाएगा 145 प्लस ये सब कैलकुलेट करना आंसर आ जाएगा क्लियर है बात सभी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कोई समस्या हो तो बताओ एक सौ पैंतालीस और एक सौ पचास के बीच की वैल्यू ही आएगी इसी के बीच की वैल्यू माध्यिका में आ जाएगी सबको समझ में आ गया किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप उसको थोड़ा सा बैक करके रिपीट करके देख लेना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अब एक अंतिम क्वेश्चन इस पर बचता है बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए लास्ट क्वेश्चन इस पर इस फॉर्मेट का बचता है जब बारम्बार्ता में कोई वैल्यू नहीं दी होती है जैसे हमने किस में देखी थी माध्य में कोई वैल्यू नहीं दी थी यहाँ पे जैसे माध्य में कोई लुप्त बारम्वार्ता वाला जो हमारे पास क्वेश्चन होता है कि कोई बारंबारता नहीं दी गई होगी माध्य में नहीं दी थी तो हमें माध्य दिया था इसमें माध्यक में नहीं दी है तो हमें माध्यम दी होगी कि माध्यक माध्यक है क्या हमें क्वेश्चन में होगा ठीक इन प्रकार के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है सबसे पहले आपको सी एफ तो बनानी पड़ेगी ये एफ है बारम्बार दी है ये एफ हमें दी है आप क्या करो सबसे पहले सी एफ बनाओ यहां पे इसी में बना देते सी एफ ठीक मैं सी एफ बना रहा हूं सी एफ कैसे बनती वो तुम्हें पता ही है ये हो गया दो पांच अरे भाई पांच ये हो गया दो दो पांच दो सात सात में एक्स जोड़ा तो सात प्लस एक्स ठीक सात प्लस एक्स बारह प्लस सात बारह और सात हो जाएगा उन्नीस प्लस एक्स उन्नीस और सत्रह नौ सात सोलह नौ और सात तो सोलह एक और दो छत्तीस प्लस एक्स छत्तीस प्लस बीस हमारे पास हो जाएगा छप्पन प्लस एक्स छप्पन प्लस एक्स प्लस वाई छप्पन प्लस एक्स प्लस वाई इसमें नौ जोड़ा तुम्हारे पास हो गया पैंसठ एक्स प्लस वाई इसमें सात जोड़ा तुम्हारे पास हो गया पैंसठ सात पाँच बारह बहत्तर एक्स प्लस वाई बहत्तर और चार हो गया छिहत्तर एक्स प्लस वाई इस प्रकार का कुछ केस बन गया गंदई से कुछ वैल्यू आई सी एफ में वैसे ही किया है दो में दो रखा फिर पांच में दो जोड़ा सात सात में X जोड़ा सात प्लस एक्स बारह सात जोड़ा बारह सात हो गए हमारे पास उन्नीस उन्नीस और सत्रह हो गए छत्तीस बीस छप्पन फिर वाई जोड़ दिया तो छप्पन प्लस एक्स प्लस वाई हो गया फिर नौ जोड़ दिया तो छप्पन और नौ हमारे पास हो गए पैंसठ पैंसठ सात बहत्तर और बहत्तर चार छिहत्तर हो गए ठीक बहत्तर एक्स प्लस वाई हमारे पास सी एफ आ गया सी एफ हमारा अच्छा सा आया होता कुछ

कुछ गंदा सा आ रहा है अब इसको कैसे ढूंढने की कहाँ पर क्या होगा एक्स प्लस वाई के रूप में तो इस केस में तुम पद कैसे निकालोगे कैसे पहचानोगे कि हमारे पास एल कहा है क्योंकि फार्मूला हमारे पास जो माध्यिका का होता है एम बराबर वो तो हमारे पास वही होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ बटे का एफ इन में एच अब तुम इसमें सी एफ कैसे बताओगे एफ कैसे बताओगे एल कैसे बताओगे ये सब चीजें समस्याएं क्रिएट करेंगी तो उस केस के लिए तुम्हारे पास दी जाती है क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में हमें दिया जाता है माध्यक माध्यक दिया है ना कितना दिया है माध्यक दिया है पांच मैंने अभी बताया कुछ छोटी सी बात मैंने बताई थी कि जब तुम इसका माध्यक निकालोगे तो वो वही आएगी जो माध्यक वर्ग अंतराल है उसी के बीच की वैल्यू मतलब 145 से 150 के बीच की वैल्यू आएगी जब अब इसका माध्यक निकाला छप्पन दशमलव पैंसठ तो वो कहीं कहां पर आया वो माध्यिका वर्ग अंतराल की ही वैल्यू आई अब इस केस में तुम्हें अगर माध्यक दिया है पांच तो ये किस अंतराल में आएगा

पांच सौ है इसके जस्ट सामने वाले जो हमारे पास सौ F. F. ये। ये वर का वर्ग अंतराल हर जगह चल रहा है तो एच की वैल्यू सौ है सभी की वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा एम तुम्हारे पास कितना है पांच सौ पच्चीस क्वेश्चन में गिवेन है एम बराबर पांच सौ पच्चीस दिया है रखो 525 L पच्चीस एल हमारे पास कितना है 500 525 पांच इक्वल टू 500 सौ प्लस एन बाई टू एन हमारे पास कहा है छिहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई बाई टू अरे भाई इसका आधा कोई नहीं करते देखा जाएगा छिहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस वाई बाई टू माइनस का कहीं गलती तो नहीं है देखते हैं चलो माइनस सी एफ रखो सी एफ हमारे पास क्या है छत्तीस प्लस का एक्स इसको दूसरी लाइन उस तरफ कैलकुलेट करना चाहिए था इस तरफ लिखते हैं इसको पूरा मैं फार्मूला इस तरफ लिखता हूँ धीरे तरफ कैलकुलेट करता हूँ माध्यक का फार्मूला होता है एम बराबर हमारे पास होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ बटे का f और इन टू में h वैल्यू रखना स्टार्ट की ये है 525 ये है हमारे पास 500 सौ एन बाई टू हमारे पास हो गया छिहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई और बटे में हमारे पास 2 माइनस का सी एफ हमारे पास क्या है छत्तीस प्लस एक्स छत्तीस प्लस एक्स और बटे में हमारे पास आ जाएगा f f हमारे पास कितना है 20 और गुड़े में h है हमारे पास 100 ठीक ये हमारे पास आ गया यहां से इसका मान ठीक अब यहां से अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा छत्तीस प्लस टू एक्स थ्री एक्स वाई में कंडीशन बनेगी एक सेकेंड रुकना छत्तीस छिहत्तर हो गया ये हमारे पास यहां पे अच्छा हाँ यहां पर अगर देखोगे तो हमें ये दिया हुआ है बारमवार का योग तो हमें दिया हुआ है सौ

525 माइनस का 500 बराबर हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस का 36 माइनस का x बटे का 20 100 तो ये 20 पंचे तो हो जाएगा 100 यहाँ पर आ जाएगा 25 पाँच को इस वाले पाँच को इधर ले आओ तो ये पाँच हो जाएगा ये हो जाएगा 14 हाँ, माइनस एक्स पाँचम पच्चीस तो x बराबर आ जाएगा एक्स इधर ले आओ चौदह माइनस पाँच तो एक्स बराबर आ गया नौ एक्स की वैल्यू नौ है वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं अब ये तुम्हें पता है कि पूरा सौ है ये हमारे पास हो गया छिहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई ये टोटल योग इसका कितना है सौ के बराबर क्योंकि बारमवारताओं का योग कितना दिया गया है सौ के बराबर ये छिहत्तर है एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली नौ वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो यहाँ से कितना हो जाएगा छिहत्तर नौ हमारे पास हो गया छिहत्तर दस छियासी नौ मतलब पचासी प्लस वाई इक्वल टू सौ तो वाई बराबर आ गया पंद्रह x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 15. पंद्रह योर राइट आंसर क्लियर अच्छा क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था कि किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस पर थोड़ा सा दिमाग रखना कि आप इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन देखोगे तो निम्न माध्यम हमें क्वेश्चन में गिवेन होगा उससे ही हम माध्यक का वर्ग अंतराल निकालेंगे जब इससे माध्यक वर्ग अंतराल आ जाएगा तो आप बारंबारता लिख लोगे सी लिख लोगे और जो जैसा चल रहा है वैसे नॉर्मल चलने तो जैसे चल रहा है वैसे जोड़ते चले जाओ जो ये आने दो है जो आ रहा उसके लिए कंफ्यूज ना होना फिर एन बाय टू भी क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि हमने पर पहले प्लस वाई लिख दिया था था ना तो तो में एक इक्वेशन बन जाती गड़बड़ हो जाता क्योंकि हमें ये देना था तो ये देना चाहिए दिया हुआ था वो ध्यान नहीं दिया मैंने तो वो यहाँ पे रख के फिर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा क्लियर है इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास आज के लिए हमने सारे टाइप के क्वेश्चन अटेंड कर लिए मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए जो भी सांख्यिकी से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो इम्पोर्टेंट है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो मन से इसको एक बार कंप्लीट कर लेना सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक बार लगा लेना जितने मैंने कराए ये करना और इसके अलावा अपने मन से एक एक एग्जाम्पल सबका लगा लेना एक एक दो दो लगा लोगे इसी प्रकार के जितने मैंने कराए हैं इसके अलावा एक एक और लगा लोगे तो पूर पूरा पूरा लगभग चैप्टर ही खत्म हो जाएगा सारे लगभग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तो खुद से भी प्रैक्टिस हो जाएगी सारे एक बार जरूर अपने मन से लगा लेना नेक्स्ट वन शॉट हम लोग अगले वाले थर्सडे को मिल जाएगा मतलब वेडनेसडे तक प्रॉबिलिटी का लास्ट वन शॉट बचा है तो सारे वन शॉट मन से कंप्लीट कर लो मैंने टाइम से सारे वन शॉट करा दिए बाकी लाइव क्लासेस अपनी चलती रहेंगी और आगे चल के ज़्यादा लाइव क्लासेस कर लेंगे ताकि और अच्छे से अपना रिवाइज हो जाए ठीक है तो क्लास को लाइक कर लेना कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ठीक है मिलते अगली क्लास में बाय बाय